हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे पेपर नंबर 2, जो हमारा कॉमर्स का जो पेपर है, उसकी यूनिट नंबर 1, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरमेंट, उसके आज हम लोग रैपिड फायर सीरीज के अंदर टोटल मिला के 217 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तीन फाइल मैंने इसके अंदर जो है वो बनाई है, एक है आपके 43 क्वेश्चन का, एक है 29 और एक है 145 क्वेश्चन का, तो उसको आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो टोटल मिला के 217 क्वेश्चन है और 217 MCQs जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो सभी के सभी टॉपिक, जो हमारा पेपर नंबर 2 का जो यूनिट 1 है, उसके सभी टॉपिक को हम लोगों ने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। चाहे वो हो नॉर्मल इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर हमने डाले हैं। आपका एंट्री मोड हो गया, आपके ट्रेड बैरियर्स हो गए हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, उसके ड्राइवर्स हो गए, ठीक है, जितने अपनी थ्योरी हैं 11 तरह की, जो अपनी थ्योरी और एक अपना पैराडॉक्स, उसका क्वेश्चन भी हमने इसके अंदर जो है वो डाले हैं। साथ में अगर मैं बात करता हूँ WTO के क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं, सभी के करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, और विजिबल इनविजिबल, वो सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्लस में हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया पूरा का पूरा, जिसमें मिग्गा, ICSID हो गया, IBRD हो गया, ID और IRC, इनके क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आपका NAFTA, ठीक है, जिसके अंदर आपका SAARC, जिसके अंदर आपका ASEAN, जिसमें आपका EU, यूरोपियन यूनियन, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्लस में हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन डाले हैं हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिगार्डिंग, जो हमारी FTP 2015-20 की है। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि 15-20 की पॉलिसी तो अब इलेप्स हो गई है, आपके लिए 2015-20 की पॉलिसी ही एप्लीकेबल है, क्योंकि जो 15-20 की पॉलिसी जो 31 जून 2020 को लैप्स होनी थी, उसको गवर्नमेंट ने एक साल के लिए आगे फर्दर एक्सटेंड किया 31 जून 2021 तक, उसके बाद 6 महीने के लिए दोबारा एक्सटेंड हो गया, 30 सितंबर 2021 तक वही पॉलिसी हमारी जो है वो काम कर रही थी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कोई नई पॉलिसी नहीं है, 2015-20 की जो फॉरेन पॉलिसी है वही आपके लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, सॉरी, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे टॉपिक आते हैं, लाइक एनवायरनमेंट क्या है, मैक्रो, माइक्रो, इंटरनल, एक्सटर्नल, वो सब उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं। और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बेसिकली कौन सी हमारी, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, उसके क्वेश्चन भी हमने इसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करे हैं। तो टोटल मिला के 217 क्वेश्चन के अंदर ये सब आ गया। हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, स्टेट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी डाले हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हैं, और साथ में मैचिंग के जो क्वेश्चन है वो भी डाले हैं। मैं इतना तो मेरे जो एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि अगर कोई बच्चा 217 क्वेश्चन ये कर जाए, जिसने मेरी रिवीजन की वीडियो प्रॉपरली कर लिया, प्रॉपर उसने सिलेबस किया और ये 217 क्वेश्चन कर गया, तो मेरा ये गारंटी है, ये श्योरिटी है कि उस बच्चे के IB से एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। डेड श्योरिटी है, ये कंफर्म्ड है कि उसका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ओके, तो मैं आपसे बेसिकली रिक्वेस्ट करूंगा कि पेपर में जाने से पहले 2 बार जो है ये आप जरूर करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर बैठ जाए। मैंने एक्सप्लेनेशन भी साथ में बताया आपको क्विकली, ठीक है, तो जब ये कर लोगे ना तो माइंड के अंदर आपके सेट बैठ जाएगा क्वेश्चन। पेपर के अंदर जो है वो इन्हीं में से घूम फिर के आते हैं, बेसिकली स्टेटमेंट जो है वो इन्हीं में से बना बना के देगा। ओके, तो इसको कीजिए आप बढ़िया तरीके से। इससे पहले मैंने जो है वो कल बिजनेस फिनांस की एक यूनिट जो है वो अपलोड की थी, बिजनेस फिनांस का हम लोगों ने जो है वो कोई 168 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो डाले, ठीक है, उसके अंदर पूरे बिजनेस फाइनेंस के टॉपिक को हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था। इसके अलावा पेपर 1 जो है वो भी हमने शुरू किया हुआ है, 4 उसके अंदर मैंने करवा दी है, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और ICT। इसके अलावा कल लॉजिकल रीजनिंग जो है वो मैं करवाऊंगा इसके अंदर, तो वो भी आप जरूर लगाइएगा। ओके, तो क्वेश्चन आप ये कीजिए, 217 क्वेश्चन लगाइए और पूरा का पूरा अपना इंटरनेशनल बिजनेस है उसको सम अप कर दीजिएगा। ओके जी सर, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए जी, अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन जो इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट की जो हमारी यूनिट है उनसे आ रहा है वो है क्या, देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है मैच द आइटम, आपको यहाँ पे जो है वो कुछ आइटम्स दे रखे, इनको जो है वो आपको क्या करना है, मैच करना है। चलो जी देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को ना थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, मतलब यहाँ पे बेसिकली अपने को जो है वो थ्योरी दे रखी थी और जो ट्रेड की थ्योरी है उनको जो है उनके इकोनॉमिक्स के साथ में जो है वो क्या करना है, मैच करने का है। सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, तो अगर बात करूंगा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का, तो ये जो है ये थ्योरी दिया था किसने, एडम स्मिथ ने। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है ये दिया था हेक्सर ओलिन ने। नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है वो दिया था जी आपके माइकल पोर्टर ने। और जो कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी है वो दिया था किसने, डेविड रिकार्डो ने। तो पहले का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। चलो जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है, बोला सीक्वेंसिंग द फॉलोइंग सीएसआर एलिजिबिलिटी। सीएसआर समझते हो आप लोग, सेक्शन 135 हमने पढ़ा था, जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 135 जो है वो बात करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और अगर बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो उसका ना एक सिस्टम है, मतलब उसमें ना तीन कंडीशन दिया गया, अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी या फिर कोई भी फॉरेन कंपनी अगर उन तीन में से किसी भी एक कंडीशन को जो है वो क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, तो उसको अपने टोटल प्रॉफिट का जो है वो 2% खर्चा करना पड़ेगा किसके ऊपर, सीएसआर के प्रोजेक्ट पर। और अगर नहीं किया तो आपको जो है वो क्या होगा, पैनल प्रोविजन होंगे। ओके, तो यहां पे जो है क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको क्या करना है, यहां पे सीक्वेंस के अंदर लगाना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग चेक करते हैं कि आपके पॉजिटिव नेटवर्क जो है वो कितनी है, 500 करोड़, तो ए पॉइंट सबसे पहले हो गया। इसके बाद फिर हम लोग जो है वो फिर चेक करेंगे क्या कि आपके टर्नओवर कितनी है, क्या वो 1000 करोड़ से ज्यादा है, फिर डी पॉइंट हो गया। फिर हम लोग जो है वो लास्ट में चेक करते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना है, तो उसके लिए जो है वो हो गया जी आपका सी पॉइंट, भाई नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ या उससे ज्यादा होगी उन फाइनेंशियल ईयर में। अगर ऐसा है तो आपको जो है फिर क्या करना पड़ेगा, अपने टोटल प्रॉफिट का पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का कम से कम 2% खर्चा करना पड़ेगा ऑन द सीएसआर एक्टिविटी, तो फिर आएगा बी पॉइंट। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा, पैनल प्रोविजंस हैं, तो उसके लिए जो है वो आएगा ई पॉइंट। तो आंसर जो है वो बनेगा ए डी सी बी ई, बोले तो थर्ड। चलो जी नेक्स्ट, अगला आया विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रूली डिस्क्राइब द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द एमएसएमई स्पेस। एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज जो है, तो कोविड 19 की वजह से इन एंटरप्राइजेस को बहुत ही नुकसान पहुंचा था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके अंदर इंटरवेंशन किया और कुछ फायदा दिया किसको, एमएसएमई को। तो वो फायदे जो है वो बेसिकली क्या क्या, सबसे पहला प्रोविजन किया कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन देंगे अप टू 3 लाख करोड़ का। दूसरा गवर्नमेंट ने जो है वो बोला था प्रोविजन बनाया किसका, 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज करेंगे बैंक्स को एंड एनबीएफसी को ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट फॉर द लोन टू एनबीएफसी। और एक इन्होंने रीडिफाइन किया एमएसएमई को, जो एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको क्या किया, रीडिफाइन किया। तो आंसर जो है वो आएगा क्या, ए बी एंड सी, बोलो तो फर्स्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीनेशनल फर्म इज द वन विच, एमएनसी जो है वो कौन सी है, मल्टीनेशनल फर्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो मल्टीनेशनल फर्म एक ऐसी, कोई भी एक ऐसी फर्म या कोई भी एक ऐसी कंपनी जो कंट्रोल और ऑपरेट करती है अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को इन द मल्टीपल कंट्री, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड। चलो जी, स्वच्छ भारत अभियान इज एन एग्जाम्पल, जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है जो गवर्नमेंट ने कैंपेन चला रखा है, ये एग्जाम्पल है किसका, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो एग्जाम्पल है किसका, आपका सोशल मार्केटिंग का। तो सोशल मार्केटिंग मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, एक आइडिया है जो सोसाइटी की वेलबींग के लिए है, तो उसको गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया है, चलाया है स्वच्छ भारत अभियान। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, इनमें से कौन सी पॉलिसी हैज लॉस इट्स शीन, उसने अपने जो है वो चमक खो दी है, कंसिक्वेंट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी लॉ इन इंडिया। जब से इंडिया के अंदर जीएसटी लॉ आया तब से कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी ने जो है जो अपनी शीन जो है वो खो दी है, तो वो है कौन सी, आपकी फिस्कल पॉलिसी। क्योंकि जीएसटी जो है वो क्या है, आपका एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और टैक्स का जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा कहां पे आता है, आपका फिस्कल पॉलिसी। तो आंसर जो आएगा वो आएगा टू। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री रिसीव इंडस्ट्री वर्टिकल रिसीव बूस्ट अमिड द कोविड 19 पेंडेमिक लॉकडाउन। तो जब कोविड 19 का जो लॉकडाउन हुआ था, कोविड 19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन की वजह से जो है वो किस सेक्टर को जो है वो क्या मिला था, बूस्ट मिला, उसको बूम मिला, तो बेसिकली वो आपको जो है वो बताना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन को मिला, ऑनलाइन गेमिंग एंटरटेनमेंट, घर पे बैठे बैठे क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन, कुछ पढ़ाई करी, कुछ गेमिंग के लिए एंटरटेनमेंट किया। ई कॉमर्स को मिला, जी बिल्कुल मिला। उसके बाद में जो है रिटेलिंग एंड फार्मास्यूटिकल को मिला, जी फार्मास्यूटिकल को मिला। हॉस्पिटल क्या होटल इंडस्ट्री को मिला, नो सर, क्योंकि सब कुछ बंद था। मैन्युफैक्चरिंग को मिला, नहीं सर, लॉकडाउन था। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी एंड सी, बोले तो थर्ड ऑप्शन। आगे बोलता है द डिफेंडर, जो डिफेंडर है किसका, ऑफ सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट आउट डेट। जो डिफेंडर है सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारी सस्टेनेबिलिटी अप्रोच होती है, वो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि रिसोर्स को इस तरीके से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे कि हमारे पास जो है वो अगली जनरेशन तक के लिए हम लोग जो है वो क्या करें, बचा के रख पाएं। ओके, तो यहाँ पे ये बोला है जो डिफेंडर है इस बात के, इस अप्रोच के, सीएसआर के रिगार्डिंग जो है वो पॉइंट आउट करते हैं क्या, वो क्या पॉइंट आउट करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जो एग्जिस्ट करती है विद इन द बायोस्फीयर दैट सपोर्ट ऑल लाइफ, तो इसका मतलब ये होता है। तो आंसर जो आएगा एड्स का वो क्या आएगा, ए आएगा, ध्यान देना इस पे, एड्स का ए बोले तो फोर्थ। आगे नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग नैरेटिव डिस्क्राइब द फिशर इफेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो डिस्क्राइब करता है किसको, आपके फिशर इफेक्ट को। तो फिशर इफेक्ट थ्योरी जो है आपकी वो क्या बोलती है, सबसे पहला नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द रियल प्लस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आएगा ये।
तो जो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो रियल इंटरेस्ट रेट और एक आएगा इसके अंदर कौन सा, इन्फ्लेशन रेट। बिल्कुल सही है। अगला, रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल है किसके, नॉमिनल माइनस में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी बिल्कुल सही बात है, बस फॉर्मुला को चेंज कर दिया। फिर एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल जो है वो दो करेंसी के बीच में एक्सपेंड करता है उसको इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्री इज एक्सप्लेन बाय द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन द परचेसिंग पावर पैरिटी। क्या वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के ऊपर बेस करता है? नो सर। तो आंसर जो आएगा नाइन्थ का वो क्या आएगा, ए बी एंड सी बोले तो फर्स्ट। आगे, ग्रुपिंग ऑफ कंट्री कमिटेड टू रिमूव ऑल बैरियर, मतलब आप लोगों ने जो है एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जिसके अंदर सारे बैरियर्स को जो है वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, टू ए फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बिटवीन देमसेल्फ एंड ऑल्सो परस्यू इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी इज कॉल्ड, उसको जो है वो क्या बोलता है, वो होता है क्या आपका FTA। फ्री ट्रेड एरिया के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे रीजनल बैरियर हैं उन सबको रिमूव कर देंगे, लेकिन हमारी जो एक्सटर्नल पॉलिसी है वो हमेशा क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। तो दसवें का जो है वो आएगा फर्स्ट। आगे, वो पासला मॉडल, जो पासला मॉडल है फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन इज नॉट वैलिड फॉर, वो किसके लिए जो है वो वैलिड नहीं है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जो है वैलिड नहीं है। सेकंड, आगे, मैच द फॉलोइंग करना है, इंटरनेशनल पीएलसी देखा और इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो इनको आपस में जो है वो क्या करना है, आपको मैचिंग करना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कौन सा स्टेज है, जहां पे फ्यू कंपटीटर होंगे एट होम, ठीक है जी। आईपीएलसी की बात हो रही है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, तो वहां पे हमने इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो पढ़ा था, वर्नन रेमंड वर्नन ने जो ये थ्योरी दिया था, तो उसके उसकी बात हो रही है यहां पे। फिर ग्रोथ जो है वो क्या होता है, तो ग्रोथ वो है जहां पे कंप्यूटर जो है वो क्या होंगे, इन अदर हाई इनकम कंट्री बिगिन प्रोडक्शन फॉर देयर डोमेस्टिक ग्रोथ मार्केट। फिर मैच्योरिटी जो है वो क्या होता है, मैच्योरिटी वो है जहां पे कंपनी फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्री इंक्रीज करेंगे एक्सपोर्ट द इनोवेटिव कंट्री, एंड डिक्लाइनिंग मोड वो होगा जहां पे कंप्यूटर जो होंगे फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्री में बिगिन प्रोडक्शन इन द डेवलपिंग कंट्री। तो आंसर जो बनेगा इसका, एक मिनट को, हाँ, डिक्लाइनिंग कंप्यूटर फ्रॉम द अदर हाई फ्यू कंप्यूटर द होम, एक थर्ड फर्स्ट। इंट्रोडक्शन के ऊपर तो फ्यू कंप्यूटर होगा, ग्रोथ के ऊपर कंप्यूटर इन द अदर हाई इनकम कंट्री बिगिन प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट के लिए, मेचोरिटी पे कंपनीज को अदर हाई इनकम कंट्री इंक्रीज करेंगे एक्सपोर्ट टू द इनोवेटिंग कंट्रीज को अदर हाई, और डिक्लाइन में कंप्यूटर फ्रॉम द अदर हाई बिगिन प्रोडक्शन इन द डेवलपिंग कंट्री, डिक्लाइन अदर हाई, हाँ ठीक है। इसका आंसर जो है वो बनेगा क्या आपका, 3412। चलो जी आगे, आगे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोलता है ट्रिम्स जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर है और जो ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोविजन फैसिलिटेट करता है और प्रमोट करता है किसको, FDI को। बिल्कुल सही बात है, वो प्रमोट करता है इसको। दूसरा, ट्रिम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजन जो है वो रिमूव करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंड एड्रेस करते हैं कैपिटल फ्लो सेंसिटिविटी। बिल्कुल सही बात है, दोनों के अंदर जो है वो यही बात होती है। तो 13 का जो है वो क्या बनेगा कि दोनों बातें जो है वो क्या है, करेक्ट है, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ऊपर जो है वो बात क्या कर रहा है, ट्रिम्स और ट्रिप्स प्रोविजन जो है वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं किसको, FDI को। और दूसरे में ये बोल रहा है कि जब FDI का प्रमोट होगा, जब क्या होंगे, रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट। इसके बाद अगला आया जी, अगला है आपका वो COVID-19 का, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो करवाया भी था, अपने इंडियन इकोनॉमी एंड COVID-19 जो है, मैंने आपको बताया था कि COVID-19 का क्या इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे, तो वो देख लेना एक बार वहां पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बोलता है पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट कम्स इन द एम्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिसीजन। जो पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट है वो किस एम्बिट के अंदर आता है, मतलब पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट किस में आता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आएगा जब आप लोग जो है वो क्या करते हो, मल्टीनेशनल कैपिटल वेस्टिंग करते हो, तो वहां पे आपको जो है वो देखना पड़ता है पॉलिटिकल रिस्क भी। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर जाके जो है वो काम करना शुरू करोगे, ठीक है, तो फिर वहां पे हम बहुत सारा पैसा जो है वो क्या करते हैं, बाहर के नेशन में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो जब हम बाहर जाके अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो एक रिस्क हमारे साथ जो आपका क्रेडिट रिस्क है और जो कमर्शियल रिस्क है, उसके अलावा एक रिस्क और एसोसिएट हो जाएगा जिसको बोलेंगे क्या, पॉलिटिकल रिस्क। उसको भी क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए बोलता है पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट कम्स इन द एम्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिसीजन, तो वो आएगा जी आपके किस में, मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग के अंदर। आगे आइए नेक्स्ट, बोलते हैं एज पर द कैरोल मॉडल द फोर लेवल ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चार लेवल की जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन कौन सी है, वो है फिलेंट्रोफिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल। थर्ड,
आगे, व्हेन फॉरेन करेंसी एसेट लायबिलिटी मैच इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, जब वो मैच हो जाए एक्सपोजर के साथ में, मतलब जितनी आपके जो आपके फॉरेन करेंसी में मिलने वाली एसेट्स है और जो आपके फॉरेन करेंसी की लायबिलिटी है, अगर वो मैच हो जाए किसके साथ में, आपके फॉरेन करेंसी के एक्सपोजर के साथ में, किसके साथ में, एक्सपोजर के साथ में, एंड टाइमिंग ऑफ द मैच्योरिटी इट विल डिस्क्राइब एज, तो वो जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल हैज, मतलब आपने कोई भी हैजिंग टूल नहीं लिया, वो अपने आप ही क्या कर गया, मैचिंग कर गया। आगे ईपीआरजी फ्रेमवर्क जो है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर वो क्या है, उसका मतलब है एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। सेकंड, आगे इन लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन एल जो है इज कंसीडर्ड एज, लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन में एल जो है वो क्या है, तो एल आपका बाइंडिंग कंसेप्ट है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। थर्ड, आगे आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ देम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एनकल्चरेशन एंड द एकल्ट्रेशन एज ए पार्ट ऑफ द क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, तो इसके अंदर कौन सा इसका पार्ट है, तो एनकल्चरेशन जो है वो क्या है, एक एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म है जिसको यूज करते हैं सोशलाइजेशन के लिए, लाइक एकल्ट्रेशन बी। फिर बोथ टर्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन, दोनों टर्म का मतलब वही है कि यहाँ पे हम सीखते हैं किससे, सोशल इंटरेक्शन से, सही बात है। आगे एनकल्चरेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आवर ओन कल्चर एंड एकल्ट्रेशन रेफर का मतलब, इसका मतलब होता है लर्निंग होस्ट कल्चर एनवायरमेंट, तो ये भी एकदम सही है। तो पहला जो है वो गलत है, जिसमें क्या बोलता है एकल्ट्रेशन रेफर टू द प्रोसेस लर्निंग एंड अडॉप्टिंग होस्ट कल्चर, ये गलत है, खुद के एनवायरमेंट के बारे में जो है वो चीजें सीखना वो होता है एनकल्चरेशन, तो फर्स्ट है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो बी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी सी एंड डी, बोले तो थर्ड। आगे हेडक्वार्टर जो है एशियान का, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलते हैं एशियान को, वो लोकेटेड है कहां पे, तो एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो है कहां पे, इंडोनेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एफडीआई ऑन द डोमेस्टिक फर्म, मतलब होस्ट कंट्री की जो डोमेस्टिक फर्म है उनके ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ेगा अगर बाहर से एफडीआई आएगा तो एक तो उनकी मार्केट मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है, हाँ जी सर हो सकती है, दूसरा टेक्नोलॉजी के ऊपर हम उनके ऊपर डिपेंड भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा बाहर वाले आएंगे तो बढ़ेगा, और प्रॉफिट बाहर वाले यहाँ पे पैसा कमाएंगे और पैसा कमा के अपनी कंट्री में लेके जाएंगे, जिससे प्रॉफिट का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या, फाइव ऑल ऑफ द अबव। आगे मर्कोसुर जो है वो एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ए साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक इसे, वो जो है वो क्या है, तो मर्कोसुर जो है वो बेसिकली एक क्या है, कॉमन मार्केट है। आगे मैचिंग करना है, स्टेफन बी लिंडर ने जो है वो कौन सी थ्योरी जो है वो बताया, स्टेफन बी लिंडर दिया था कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, वर्नर रेमंड ने अभी हमने बात भी किया वो दिया था उसने कौन सा, प्रोडक्शन लाइफ साइकिल थ्योरी, इसके बाद में हेक्शर ओली ने जो है वो दिया था कौन सा, फैक्टर प्रोपोर्शन, और एडम स्मिथ ने दिया था कौन सा, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो 24 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। चलो जी आगे नेक्स्ट बोलता है असर्शन क्वेश्चन है, बोलता है ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जहां जब ग्लोबलाइजेशन में हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीली क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है किसका, गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का, इन्फॉर्मेशन का, पीपल का, बिल्कुल सही बात है। रीजनिंग में बोलता है कंट्री आर कंसिस्टेंट इवॉल्विंग इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर डेटा डब्ल्यूटीओ कंपेटेबल, कंट्री जो है वो क्या कहते हैं कंसिस्टेंटली इवॉल्व कर रही है, इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स को लगा रही है जो डब्ल्यूटीओ कंपेटेबल है, मतलब जिसकी डब्ल्यूटीओ मनाही नहीं करता, ये भी सही है, लेकिन इसका असर्शन से जो है वो लेना देना नहीं, क्योंकि यहां पे बात की जा रही है बैरियर की और वहां पे ऊपर जो है बात की जा रही है किसका, ग्लोबलाइजेशन का, मतलब बैरियर को हटाने की बात की जा रही है। तो आंसर क्या आएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बट आर जो है रीजनिंग जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, बोले तो सेकंड। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, साइज ऑफ द मार्केट जो है वो क्या है आपका, मैक्रो एनवायरमेंट है, ठीक है जी, जो डेमोग्राफिक एनवायरमेंट है वो है क्या आपका, नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो है वो क्या है जी आपकी, फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि उसकी बात हो रही है, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो रिलेटेड है किससे आपके, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस से। तो 26 का जो है वो हो गया क्या आपका, चार। चलो जी आगे विच वन इज ओड, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, ओड ऑड ऑन आउट जो है आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग और मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, ये तीनों रिलेटेड है, क्या अलग है इनसे, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये तीनों इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, बट सोशियो कल्चर फैक्टर जो है वो सोशल एनवायरनमेंट का जो है वो पार्ट है, तो इसका आंसर आएगा क्या, थर्ड। आगे
इन विच द फॉलोइंग ईयर किस साल के अंदर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया बाय द डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नेशन विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आईएमएफ। किस साल के अंदर जो है इसको क्या किया गया, साइन किया, तो 1944 के अंदर जो है वो ब्रेटन वुड्स मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो वहां पे एग्रीमेंट को जो है वो 44 नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या किया, इसको साइन किया था। आगे, व्हाट आर द ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन सा जो है वो ग्लोबलाइजेशन का क्या है, ड्राइवर है। तो ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर में पॉपुलेशन मोबिलिटी, अगर पॉपुलेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब स्पेशली लेबर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, जी बढ़ेगा। फाइनेंशियल अगर फ्लो होगा, फाइनेंशियली मतलब जो है वो पैसे का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह होगा तो भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। एक्सपोर्टिंग और असेंबली ऑपरेशन, ये दोनों क्या, क्या ये ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर है, नहीं, ये बेसिकली जो है वो क्या है, मोड्स है, ये मोड ऑफ एंट्री है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, तो ये इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या ए एंड बी, बोले तो थर्ड। आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ, इनमें से कौन से दो जो है वो फंक्शन है किसके, आपके डब्ल्यूटीओ के, ये आपको जो है वो बताने हैं। पहला, टू डब्ल्यूटीओ का मेन काम जो है वो है फैसिलिटेट करना इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ऑपरेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं डब्ल्यूटीओ जो है वो क्या करता है, पीरियोडिक रिव्यू करता है किसका, ट्रेड पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्री, जी बिल्कुल सही बात है। ये असिस्ट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, नो, ये काम जो है वो किसका है, आईएमएफ का है। और ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन, नो, ये काम भी किसका है, आईएमएफ का। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए एंड बी, बोले तो फोर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर, इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट है किसका, सीएसआर का, जो हमारा सीएसआर होता है इसका पार्ट आपको जो है वो बताना है। तो इनमें कौन सा सीएसआर का पार्ट है, पहला रीजनेबल चांस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकॉम्प्लिशमेंट एंड प्रमोशन, क्या ये सीएसआर में आता है, नो। सीएसआर के अंदर क्या आएगा, टू सप्लाई द गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस, हम गुड्स को सप्लाई करें रीजनेबल प्राइस पे, इवन वेन देर इज अ सेलर मार्केट, चाहे सेलर मार्केट हो तो भी हम जो है रीजनेबल प्राइस पे जो है सामान को क्या करेंगे, सेल करेंगे, ये इसका पार्ट है। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, क्या ये सीएसआर का पार्ट है, नो। इसके बाद में फिर ये फिर जो है वो क्या बोलता है, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड, हम जो है वो क्या कस्टमर को सुनवाई का अधिकार देंगे, क्या ये इस और उसकी ग्रीवेंस को जो है वो क्या क्या रिड्रेस करेंगे, क्या ये सीएसआर का पार्ट है, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी एंड डी, बोले तो सेकेंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, वो आपको जो है वो बतानी है। पहला, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर जो है वो इज इनहेरेंट इन ऑल द फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड कॉन्टेक्चुअल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर जो है वो इनहेरेंट होता है किसके अंदर, मतलब वो आपको देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा, इन ऑल फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड कॉन्टेक्चुअल ट्रांजेक्शन, वो सारी ट्रांजेक्शन जो फॉरेन करेंसी के अंदर है उनके अंदर ट्रांजेक्शन एक्सपोजर देखने को मिलेगा, जी बिल्कुल। ट्रांजेक्शन एक्सपोजर जो है वो जुड़ा हुआ किससे, ओनली अकाउंटिंग इनकम्स एंड बैलेंस शीट, इसलिए इसको अकाउंटिंग एक्सपोजर भी बोलते हैं, जी बिल्कुल। इकोनॉमिक एक्सपोजर का जो है इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म के ऊपर, हाँ जी बिल्कुल। फिर बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपोजर डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट टू द फर्म फ्यूचर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपोजर का फर्म के फ्यूचर ऑपरेटिंग रेवेन्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्या बात कर रहे हो सर, वो तो पड़ता है, तो ये गलत हो गया। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी एंड सी, तो ए बी एंड सी बोल दो फोर। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो है वो पार्ट नहीं है, तो आईडीए, देखो मैंने आपको बताया था पहले भी कि वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अंदर सिर्फ दो ही बॉडियां थी, एक आएगा आईबीआरडी और एक आएगा आईडीए, और अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करेगा तो उसके अंदर टोटल मिला के जो है पांच इंस्टीट्यूशन आते हैं, आईबीआरडी, आईडीए, मिग्गा, आईसीएसआईडी और आईएफसी। तो ये बताना है आईडीए पार्ट है, आईएमएफ जो है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकेंड, आईएफसी और मिग्गा भी इसका पार्ट है, ध्यान रखना। आगे, करेंसी स्वैप एक मेथड है किस चीज का, तो करेंसी स्वैप जो है वो मेथड है किसका, हेजिंग करना अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, जो फॉरेक्स रिस्क है, हम उसको जो है वो क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं करेंसी स्वैप। तो 34 का आया 1। आगे, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री, में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड है एंट्री का इन द इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री कौन सा ऐसी कंपनी के लिए जिसने अभी जो है वो क्या करी है, शुरुआत ही करी है, ठीक है, मतलब जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे अच्छा उसके लिए जो एक्सपीरियंस बनता है वो है क्या आपका, एक्सपोर्टिंग, ये सबसे अच्छा मोड है उसके लिए, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्टिंग के अंदर कंपनी जो है वो क्या करेगी, शुरुआत के अंदर जो है वो काम करना शुरू करेगी, ओके, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगी, सीधा जाके हम वहां पर कंपनी तो नहीं खोल सकते, तो ना तो और ना ही वहां के किसी पर्सन के साथ हम मिल सकते हैं, जब तक अपने को ये पता नहीं चलेगा कि क्या बाहर के मार्केट में मेरी डिमांड है या नहीं है प्रोडक्ट की, तब तक मैं वहां पर जाके जो है अपना एफडीआई नहीं कर सकता, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन करूंगा, तो हम वहां पर जो है वो करते हैं कि एक्सपोर्टिंग, शुरुआत में देखते हैं अपना सामान बेच के, अगर वो बिकेगा फिर आगे हम लोग जो है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन किसी भी कंपनी के साथ में कर सकते हैं। तो 35 का आएगा क्या, 4, शुरुआती दौर में सबसे पहले एक्सपोर्ट पे जाओ। आगे,
क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, जो आपकी क्वांटिटेटिव नेचर की जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, जो लिमिट करती है क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट को बीइंग इंपोर्ट, भाई कितना सामान बाहर से मंगा सकते हो उसके ऊपर अगर लिमिट लग जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग कोटा। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन ट्रेड पॉलिसी, जो आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015-20 की, 2015-20 की पॉलिसी का जो है वो कौन कौन से जो है इसके 2015-20 की पॉलिसी के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं तो बताना है कौन सी सही है। पहला, डबलिंग द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को डबल कर देंगे, जी बिल्कुल करेंगे। अचीव करेंगे 3-5% शेयर इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट, जी बिल्कुल। इंट्रोड्यूस करेंगे, दो नई स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे, MEIS और SCS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जी बिल्कुल। इंट्रोड्यूस करेंगे सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म, मतलब या तो निर्यात करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो आपका फॉर्म रहेगा उसको क्या कर देंगे, सिंपल, जी बिल्कुल। तो 37 का आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर करेक्ट। आगे 38, लिस्ट आउट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट द इंपोर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल, आपको जो है नीचे कुछ प्रिंसिपल्स बता रखे हैं, इनमें से आपको बताना है एथिकल प्रिंसिपल जो बिजनेस जो है जिनको मतलब बिजनेस को जो फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला, टू टेक द नेसेसरी एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न इंडस्ट्री और बिजनेस, नहीं इसका मतलब ये बिजनेस का प्रिंसिपल क्या, बिजनेस को हमेशा फॉलो करने चाहिए, नहीं। पे टैक्स, क्योंकि बात किसकी हो रही है, यहां पे बात हो रही है एथिकल, एथिक्स की बात हो रही है, भाई क्या सही और क्या गलत। ओके सॉरी एक मिनट रुको, मैं इसी बंद कर दूं, ओ जा बे। चलो क्या, तो ये उसका पार्ट नहीं है, एथिक्स का पार्ट नहीं है, हाँ ये काम करना चाहिए बट एथिक्स का पार्ट नहीं है। बी, पे टैक्सेस एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशन प्रॉम्प्टली, क्या आपको जो है वो टाइम पे टैक्स का पेमेंट करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए। ये एंश्योर करता है बेस्ट यूटिलाइजेशन, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है आपको वो जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, ये करना चाहिए बट ये एथिकल प्रिंसिपल नहीं है, तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। इसके बाद, रिफ्रेन फ्रॉम सीक्रेट किकबैक, आपको जो है सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए एथिकली, ये चीज बिल्कुल सही बात है, ये सही है। एंश्योर पेमेंट ऑफ द फेयर वेजेस, आपको जो है वो फेयर वेज और फेयर ट्रीटमेंट जो अपने एम्प्लॉइज का करना चाहिए, हाँ ये भी एथिकल प्रिंसिपल है। तो आंसर जो आएगा वो क्या है, बी डी एंड ई, बी डी ई बोले तो सेकंड। चलो जी आगे, नेक्स्ट, आफ्टर द यूएस डॉलर, यूएस डॉलर के बाद में इसमें से कौन सी करेंसी का जो है वो लार्जेस्ट वेटेज है इन द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एसडीआर। जब आप स्पेशल टोइंग राइट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर टोटल मिला के 5 करेंसी आती है, सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है यूएस डॉलर का, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो कौन सा है, यूरो। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ द नॉन कन्वेंशनल डंपिंग, इनमें से कौन सा जो है वो आपका नॉन कन्वेंशनल डंपिंग का, डंपिंग का पार्ट है, वो है आपका कौन सा, रिवर्स डंपिंग। आगे, लिस्ट द फॉलोइंग, आपको जो है लिस्ट दे रखी है और उसको मैचिंग करना है। सबसे पहला, WTO जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे, WTO का हेडक्वार्टर है कहां पे, आपका जेनेवा। उसके बाद में जो IMF उसका कहां पे, वॉशिंगटन DC। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, रोम। और EU का कहां पे, ब्रुसेल्स में। तो आंसर जो आएगा 41 का वो फर्स्ट। आगे 42, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए और उनको जो है आपको इसमें क्या करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहले फिस्कल मॉनिटरी एंड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये पार्ट है किसका, आपके इकोनॉमिक पॉलिसी का, ठीक है जी। सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सेवरल स्टेक होल्डर, ये जो है ये क्या है, आपका बिजनेस एथिक्स, आपके सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, क्रेडिटर, ये सब जो है वो रिलेटेड है किससे, या सब आपके क्या है, स्टेक होल्डर है। एंड मॉरल प्रिंसिपल डेट डिफाइन द राइट और रॉन्ग, वो मॉरल प्रिंसिपल जो आपको बताते हैं राइट और रॉन्ग, और ये जो है ये क्या है आपकी, जो मॉरल प्रिंसिपल है ये है आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मिनट रुकना, सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर, इसको सही करो, इसको सही करो भाई, सही करो। ये देखो, फिस्कल मॉनिटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो इसका पार्ट है, किसका, इकोनॉमिक पॉलिसी का। सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सेवरल स्टेक होल्डर, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर, शेयर होल्डर, ये आपके स्टेक होल्डर है। एंड मॉरल प्रिंसिपल जो है ये क्या है, आपके बिजनेस एथिक्स है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें हो गया ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 बोल दो, ये डी ऑप्शन। चलो जी आगे, नेक्स्ट, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये चाइना ने जो है वो वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव जो है वो लाए थे, और उसका मेन काम ये था कि हम लोग जो है कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे ताकि जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे वो हटाएं। तो ये इज नॉट इंटेंडेड टू, इसको किस चीज के लिए नहीं लाए थे, इसको नहीं लेके आए थे ट्रेड प्रोटेक्शन के लिए, बल्कि इसका काम प्रोटेक्शन जो हमने लगा रखे उसको क्या करना था, हटाना था। तो 43 का जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। ओके जी सर, लो ये तो हो गए 43 क्वेश्चन। अब हम करेंगे अगली फाइल हमारी, नेक्स्ट फाइल जो है, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट फाइल का। पहला क्वेश्चन,
नेक्स्ट फाइल के पहले क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, आइए बोलता है फॉरेन ट्रेड इज सब्जेक्ट टू ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर टू द होम ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर जो है वो रिस्क आपका क्या रहता है, होम ट्रेड के मुकाबले में ज्यादा। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होम ट्रेड में तो कुछ ही रिस्क है, लेकिन फॉरेन में तो अपनी कंट्री का तो रिस्क होगा और फॉरेन कंट्री का भी रिस्क अपने को जो है वो देखना पड़ता है। ठीक है, ये तो आपके स्टेटमेंट सही है। फिर बोलता है इंटरनल ट्रेड को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। अरे सर, फॉरेन ट्रेड को बोल मतलब जो बाहर के एक्सटर्नल ट्रेड को बोलते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड, इंटरनल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड नहीं बोलते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड क्या है, रोंग है। तो इसका आंसर जो बनेगा फर्स्ट का वो क्या बनेगा, सी। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस डज नॉट स्प्रेड बिजनेस रिस्क। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बिजनेस रिस्क को स्प्रेड नहीं करता। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बिजनेस रिस्क को स्प्रेड नहीं करता। सर क्या बात कर रहे हो, जब इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो हम हमारे रिस्क को जो है वो क्या करते हैं, बांट देते हैं, स्प्रेड हो जाता है। क्योंकि अलग अलग नेशन में जाके काम करोगे तो नेचुरल बात है जितना ज्यादा वो आप डाइवर्सिफाई करते रहोगे अपने आप को, मार्केट जो है आपका एक्सटेंशन होता रहेगा, तो रिस्क भी आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। फिर बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है रिमूव करने में डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट को। जी बिल्कुल सही बात है, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपके जो डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट है वो क्या हो जाएंगे, आपके दूर हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो आंसर जो बनेगा फर्स्ट इनकरेक्ट है, जबकि टू जो है वो क्या है, करेक्ट। बोले तो सेकंड। यार एक क्वेश्चन ना मेरे माइंड में अभी भी चलते आ रहा है, वो जो मैचिंग का क्वेश्चन था सी एस आर वाला ना उसका, हाँ सी एस आर वाला था आई थिंक। मैं उसको दोबारा रेफर करूंगा, एक बार ये कर लेते हैं पहले पूरा, फिर उसको देखेंगे एक बार दोबारा। चलो पहले आप उस पर आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूड इन द मेथड ऑफ एफडीआई। इनमें से कौन सा एफडीआई का पार्ट नहीं है, मतलब एफडीआई का मेथड नहीं है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एफडीआई का मेथड नहीं है। तो पहला टैक्स हॉलीडे जो है, अगर मैं बात करूं तो ये आपका मेथड होता है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सब्सिडी देना, उससे भी एफडीआई बढ़ता है, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल एफडीआई ये एफडीआई का मेथड नहीं है, ये एफडीआई का जो है वो क्या है, एक एफडीआई की टाइप है बेसिकली, ठीक है ना। तो आंसर आएगा सी। आगे बोलता है ऑफिशियल रिजर्व आर कंप्राइज ऑफ गोल्ड एसडीआर एंड द फॉरेन एक्सचेंज। ऑफिशियल रिजर्व के अंदर जो है वो क्या क्या आता है, तो ऑफिशियल रिजर्व के अंदर आता है जी आपका गोल्ड, इसके अंदर आता है आपका एसडीआर, इसके अंदर आएगा क्या आपका, साथ में आता है आपका कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, वो फॉरेन एक्सचेंज जिसको आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। तो आंसर आएगा बी। आगे डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बाय द कंट्री इज मेजर ऑफ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द गुड्स की बात हो, गुड्स और सर्विस की बात हो रही है, तो उसको मेजर करते हैं कैसे, उसको जो है वो बोलते हैं हम लोग क्या, एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बाय अ कंट्री इज मेजर ऑफ, उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस की बात हो रही है ना, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो वो क्या आपका बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में चार आती है, दो वैसे तो मेनली दो है, एक है विजिबल एक इनविजिबल। विजिबल में तो गुड्स हो गया, और इनविजिबल के अंदर जो है वो क्या आएगा, इनविजिबल के अंदर सर्विस भी आती है, ठीक है। इनविजिबल के अंदर जो है वो आपका आएगा यूनिलेटरल ट्रांसफर, और इनविजिबल के अंदर आएगा आपका फैक्टर इनकम, ठीक है ना। तो ये क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज मेजर ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये बात ध्यान रखना, तो आएगा नन ऑफ द अबव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एफडीआई का क्वेश्चन आया, बोलता है एफडीआई सिंपली रेफर टू द एक्ट। एफडीआई का जो मतलब है वो बता रखा है, बोलता है एफडीआई रेफर टू द एक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन द बिजनेस एंटरप्राइज डेट ऑपरेट ओवरसीज। ऐसी कंपनी पैसा लगा जो कहां पे काम करिए, ओवरसीज, बाहर के विदेशों में काम करिए, एंड इन द फॉरेन कंट्री। जी बिल्कुल सही बात, एफडीआई का मतलब यही होता है। फिर बोलता है इट कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल पावर ऑफ मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन द मेजर एरिया ऑफ वर्किंग। ये एफडीआई के अंदर हम कंट्रोल करते हैं क्या, एक्चुअल पावर, जो मैनेजमेंट पावर है उसको हम ले लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है वो क्या बोल रहा है उसका मीनिंग बताया, और नीचे जो है वो क्या मैकेनिज्म बता रहा है, तो इसका मतलब नहीं है आपस में। तो ऑप्शन जो है वो सिक्स का वो बनेगा क्या, ए और आर ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। लो जी अगला, विच द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। सार्क जो है वो हेल्प करता है, जो साउथ एशियन नेशंस ने मिलके, इंडिया भी इसका सार्क का पार्ट है, तो सार्क जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द साउथ एशिया। ये बिल्कुल सही है। नाफ्टा हेल्प करता है प्रमोट करना कंडीशन ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन, ये भी सही है। एशियन हेल्प करता है प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ये भी सही है। तो कौन सा नॉट करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, डी, नन ऑफ द अबव। प्ले सारे सही है। आगे विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। सबसे पहले बोलता है
रीजनल आर इनकरेक्ट, सॉरी आपको बताना कौन से इनकरेक्ट है। बोलता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो फैसिलिटेट करता है रियलाइजेशन ऑफ द ऑप्टिमम एलोकेशन रिसोर्स, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है रीजनल कॉमन मार्केट जो है वो प्रोवाइड करेगा लार्जेस्ट मार्केट टू ऑल। अगर आपने रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या सभी के लिए बैरियर ओपन हो जाते हैं? नहीं सर, ओनली जो मेंबर कंट्री है उनके लिए। तो ये जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। आगे वो देख लो, बोलता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फैसिलिटेट करता है डिजायरेबल चेंज इन द कंपोजिशन फॉरेन ट्रेड, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर जो बनेगा एट्स का वो क्या बनेगा आपका, बी। बी जो है वो क्या है, गलत है। आगे इंडिया हैज द पावर, इंडिया के पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द कहां पे, तो इंडिया के पास पावर है कि वो आईएमएफ के अंदर अपना परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकते हैं। तो आंसर आएगा ए। आगे स्टेटमेंट दिया पहला, बोलता है थ्रू फ्री ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसी की मदद से देर विल बी फ्री असेस टू द मार्केट, हम लोग जो है वो फ्रीली असेस कर सकते हैं किसको, मार्केट को, फ्री ट्रेड पॉलिसी की मदद से। जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंदर मेंबर कंट्री आपस में बैरियर को क्या कर देंगी, रिमूव कर देंगी। तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। स्टेटमेंट टू बोलता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लेट्स एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की मदद से जो है वो क्या होगा, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट, ऑप्शन आएगा ए। आगे बोलता है नाफ्टा, अब वैसे तो नाफ्टा जो है वो खत्म हो गया, नाफ्टा की जगह जो है आ गया यूएसएमसीए, ठीक है ना। तो अब लेकिन एक बार इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोलता है नाफ्टा इज एन एग्जांपल ऑफ एफटीए, नाफ्टा जो है उसका फुल फॉर्म क्या था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है एफटीए का, जी बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं कि नाफ्टा परमिट करता है ट्रेड ऑफ गुड्स विदाउट टैक्सेस एंड अदर ट्रेड बैरियर, ये भी बिल्कुल सही है। और एफटीए का मतलब यही तो है फ्री ट्रेड एरिया, और फ्री ट्रेड एरिया का मतलब जहां पे आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो विदाउट टैक्स एंड अदर ट्रेड बैरियर। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, फर्स्ट ए, जिसमें ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है किसको, ए को। आगे मैच द फॉलोइंग, एफडीआई, एफडीआई जो है वो क्या, ये हेल्प करता है स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन द वेरियस नेशन, अलग नेशंस में पॉलिटिकल जो रिलेशन है उसको बढ़ाता है। एमएनसी की अगर बात करें तो एमएनसी जो है वो बूस्ट देता है किसको, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होम कंट्री, अगर बाहर की कोई कंपनी हमारी कंट्री में आएगी, ठीक है, और आगे काम करेगी तो हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको भी बूस्ट मिलेगा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अनेबल करता है ओनर को, क्रिएटर को, कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने काम को, भाई उनका जो उन्होंने कुछ चीज़ जो रिजर्व करी थी वो खुद ही उसका यूज़ कर सकता है, बाहर का पर्सन का वो डिनाई कर सकता है। तो 12 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में, आपको जो है वो ये बताना है। तो वो कौन से नहीं है, तो वो ये है कि बिजनेसमैन हैज कंप्लीट कंट्रोल, मतलब ये बोला कि बिजनेसमैन का जो है वो बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ये जो है वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बिजनेसमैन का जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो क्या होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फोर्स, इनमें से कौन से जो है वो एनवायरमेंटल फोर्स नहीं है, दैट मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय द मार्केटर, डेमोग्राफिक होता है, नेचुरल होता है, पॉलिटिकल लीगल होता है, मेगा ट्रेंड, ये जो है वो एनवायरमेंटल फोर्स नहीं है। तो आंसर आएगा क्या, डी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री, तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या आएगा, इकोनॉमिक सिस्टम आएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी आएगा, मनी एंड कैपिटल मार्केट इसका पार्ट है, फाइनेंशियल एनवायरमेंट का पार्ट है, सोशल कॉस्ट इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर आएगा वन एंड टू, बोलो तो ए। आगे डैश इज द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर बाय, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे स्टेट जो है वो होल्ड करती है ब्रॉड पावर टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, इट डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी एंड डिमांड टिपिकली एक्सीड सप्लाई। तो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे स्टेट होल्ड करती है ब्रॉड पावर टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है जी सेंट्रली प्लान्ड सोशलिज्म, कौन सा, सेंट्रली प्लान्ड सोशलिज्म। तो सोशलिज्म के अंदर बेसिकली ऐसा होता है। आगे आपको अरेंज करना है फॉलोइंग कॉन्सेप्ट या एक्ट को इन ऑर्डर टू विच दे कम इन टू फोर्स। तो सबसे पहले कंपटीशन एक्ट आया 2002 के अंदर, कंपटीशन 2002, फेमा आया 1999 में, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट आया 1986, और अब तो 2019 हो गए, और सेबी जो है वो आया 1992। तो अगर 1986 के हिसाब से करें तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो है कौन सा, तीन, तीन के बाद में जो है फिर आएगा जो आपका चार, फिर आएगा दो, और फिर आएगा एक। तो तीन चार दो एक, बोले तो फर्स्ट, 17 का आंसर आया ए। आगे 18
अगर अमाउंट क्लेम बाय द कंज्यूमर एज कंपनसेशन, अगर अमाउंट जो है कंज्यूमर जो है उसने जो कंपनसेशन डिमांड करा वो 89 लाख है, तो जो केस होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो फाइल करेंगे हम किसको, तो वो जाएगा जी आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिट्रेसल फोरम में ए, क्योंकि अब लिमिट जो है 2019 एक्ट के अंदर जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। 1 करोड़ रुपए तक के मुद्दे जाते हैं कहां पे, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिट्रेसल फोरम। 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ रुपए तक के मुद्दे जाते हैं स्टेट में, और 10 करोड़ से ऊपर के मुद्दे जाते हैं कहां पे, नेशनल के अंदर। तो 89 लाख का मुद्दा 1 करोड़ से नीचे का है तो वो जाएगा कहां पे, आपके डिस्ट्रिक्ट में। आगे एडॉप्शन एंड प्रमोशन ऑफ द ई कॉमर्स, एडॉप्ट करना और प्रमोट करना ई कॉमर्स को बाय द गवर्नमेंट कम्स अंडर विच एलिमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट, तो ये किस एनवायरमेंट के अंदर जो है वो आता है, तो ये पार्ट है किसका, पॉलिटिकल एनवायरमेंट का। आगे दो स्टेटमेंट दिया गया, पहले स्टेटमेंट बोलते हैं बिजनेस रेफर टू ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस के अंदर वो सभी ह्यूमन एक्टिविटी आएंगी विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, और बिजनेस के अंदर वो सब ह्यूमन एक्टिविटी आएगा जो रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन से एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोलता है एनवायरमेंट रेफर टू ऑल एक्सटर्नल फोर्स, एनवायरमेंट के अंदर वो सभी एक्सटर्नल फोर्स आती है विच हैव ए बियरिंग, जिनका इंपैक्ट, बियरिंग का मतलब क्या होता है इंपैक्ट, जिनका इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, ऑन द फंक्शन ऑफ बिजनेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोले तो सी। आगे मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको यूज करते हैं टू इन्फ्लुएंस करने के लिए एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं कंट्री की करेंसी को या एक्सचेंज रेट को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। फिर बोलता है इकोनॉमिक पॉलिसी मे और मे नॉट हैव फेवरेबल इफेक्ट ऑन द बिजनेस यूनिट, इकोनॉमिक पॉलिसी का ऐसा हो सकता है कि फेवरेबल इंपैक्ट भी पड़ सकता है, और ऐसा हो सकता है कि किसी इकोनॉमिक पॉलिसी का बिजनेस के ऊपर फेवरेबल इंपैक्ट ना पड़े, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे assertion reasoning जो है वो दिया गया, तो सबसे पहले जो है वो क्या बोलता है, बोलता है इंटरनल फैक्टर आर जनरली रिगार्ड एज कंट्रोलेबल, जो इंटरनल फैक्टर है कंट्रोलेबल होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, इंटरनल फैक्टर तो हमारे क्या है, कंट्रोलेबल है। फिर आगे बोलता है सिंस द कंपनी इज कंट्रोल, क्योंकि कंपनी का उनके ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली assertion को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन आएगा ए। आगे एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंट की नॉलेज होना, एनवायरमेंट की नॉलेज होना, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नीड ऑफ कंज्यूमर, आपको जो इससे पता चलता है, अगर आपको एनवायरमेंट की नॉलेज है तो आपको पता चलेगा कंज्यूमर की डिमांड क्या है, ये बिल्कुल सही है। फिर बोलते हैं एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ए अर्ली वार्निंग सिस्टम, एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होना, एनवायरमेंट की नॉलेज होना एक अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, सबसे जरूरी यही है कि हमको सबसे पहले एनवायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, तो रीजनिंग आपका गलत हो गया, आंसर आएगा assertion सही है लेकिन रीजनिंग गलत है, तो बोले तो 23 का जो है वो बनेगा सी। आगे बोलता है assertion बोलता है बिजनेस एनवायरमेंट डज नॉट अफेक्ट मच द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी, बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी को जो है वो अफेक्ट नहीं करता। सर क्या बात कर रहे हो, बिजनेस एनवायरमेंट का हमारे डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एनवायरमेंट जो है उस एनवायरमेंट का हमारे डिसीजन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर बोलता है बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू ऑल एक्सटर्नल फोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरमेंट में क्या ये आता है, वो सारे एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट की डेफिनेशन जो है वो ये बोलती है बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल दोस फैक्टर विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, तो इंटरनल एनवायरमेंट तो कंपनी के कंट्रोल में है लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, तो बिजनेस एनवायरमेंट में आएगा ओनली कौन सा, एक्सटर्नल, तो रीजनिंग जो है वो क्या है, सही है। तो आंसर जो आएगा 24 का वो आएगा जी क्या आपका, डी। आगे मैच द फॉलोइंग, इंटरनल एनवायरमेंट जो है वो है फाइनेंशियल एंड द फिजिकल रिसोर्स, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की अगर बात करेंगे तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो गया आपका कस्टमर कंप्यूटर, एक्सटर्नल का पार्ट है। फाइनेंशियल रिसोर्स के अंदर आएगा फाइनेंशियल एंड द प्रॉफिटेबल यूज ऑफ फंड, और ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है आपका स्किल्ड लेबर, तो 25 का जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। आगे 26 बोलता है माइक्रो एनवायरमेंट सप्लायर, फिर मैक्रो एनवायरमेंट जो है ये है आपका इंटरस्टेट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट जो है वो हो गया आपका प्लानिंग कमीशन, जो अब जिसको बोलते हैं आप आज के डेट में नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग वो इसका पार्ट है, और ग्लोबलाइजेशन मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ द WTO, ये ग्लोबलाइजेशन एनवायरमेंट का पार्ट है। तो 26 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए। आगे सोशल फैक्टर, ये फिर मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, और बोलता है सोशल फैक्टर 27, सोशल फैक्टर जो है वो है आपके क्या, कस्टम ट्रेडिशन, ये सब सोशल फैक्टर है। पॉलिटिकल के अंदर जो है वो आएगा क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये पॉलिटिकल फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर जो है वो आएगा क्या आपका, तो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आएगा आपका इंक्रीमेंट एंड द रिडक्शन ऑफ द फ्यूल ऑफ फ्यूल प्राइस, और जो एनालिसिस ऑफ द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये है आपका प्राइमरी बिजनेस फंक्शन ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का प्राइमरी फंक्शन यही होता है। तो 27 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी।
आगे 28 इकोनॉमिक सिस्टम दे रखा है और उसके कुछ अपने को जो है वो पॉइंट्स बता रखे हैं, तो आपको जो है वो क्या करना है, इसको मैचिंग करना है ये 28 को। तो 28 को हम लोग जो है वो पढ़ते हैं, पहले ये देखते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी कौन सी होती है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी जहां पे प्रोड्यूस करते हैं ओनली उन गुड्स को या सर्विस को जो जरूरी है सर्वाइवल के लिए, तो ए का हो जाएगा क्या, 1। कैपिटलिज्म जो है वो क्या है, कैपिटलिज्म जहां पे कंज्यूमर के पास में कंप्लीट फ्रीडम होती है चॉइस ऑफ कंजम्पशन का। सोशलिज्म जहां पे फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और मिक्स इकोनॉमी जो है वो क्या होती है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है प्राइमरी प्रॉफिट मोटिव के लिए और पब्लिक सेक्टर भी होता है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है जो अचीव करता है सोशल वेलफेयर। तो डी का हो गया क्या, 4। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 28 का सी। आगे 29 जो है क्या बोलता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी इन विच, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है जिसके अंदर इंडिविजुअल ओनरशिप ऑन मेन सोर्स, इंडिविजुअल ओनरशिप का मेन सोर्स होता है। तो ए का हो गया 4। मेन फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो क्या है, मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है स्किल्ड प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। मेन फीचर ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो क्या होता है, कंडीशन ऑफ द कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट एंड द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी इंक्लूड, जब दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा आपका, मिक्स इकोनॉमी। तो 29 का जो है वो बनेगा क्या, ए, 4312। लो जी ये हो गई जी हमारी दूसरी फाइल, एक बार वो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। एक ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 12, इसको थोड़ा देखो एक बार दोबारा, इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो ये बताया था, ठीक है, इसका आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूं करके, देखो ये आईपीएलसी का क्वेश्चन था, आपको याद होता, मैंने अभी बताया था ना इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और उसमें इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन के अंदर तो फ्यू कंप्यूटर होंगे होम कंट्री के अंदर, तो ए का तो आपका डी वन थर्ड बनेगा। फिर ग्रोथ के अंदर जो है वो क्या होगा, जो कॉम्पिटिटर होंगे अदर हाई इनकम कंट्री में वो प्रोडक्शन करेंगे अपने खुद के डोमेस्टिक मार्केट के लिए, तो बी का हो जाएगा 4। फिर मैच्योरिटी के ऊपर जो है वो क्या होगा, कंपनी जो होंगी अदर हाई इनकम कंट्री की वो बिगिन करेंगी प्रोडक्शन इन द डेवलपिंग कंट्री में, अब काम डेवलपिंग में होना शुरू हो जाएगा, ये होगा। और डिक्लाइनिंग के अंदर कंपनी जो होगी अदर हाई इनकम कंट्री की वो इंक्रीज करेगी एक्सपोर्ट टू द इनोवेटिंग कंट्री। फिर यहां पे आपको याद हो मैंने करवाया भी था कि एक्सपोर्टर जो है वो क्या बन जाएगा, बिकम्स द इंपोर्टर, तो डिक्लाइन का आएगा 1। ये बात ध्यान रखना, इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, 3421। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना कौन सा, 12। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो एक तो 43 क्वेश्चन कर लिए, 43, और एक हम लोगों ने जो है वो कर लिए अभी कौन से, 29। तो टोटल मिला के 9 और 3 12 कर दो, 72 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब आगे वाले करेंगे हम कंटिन्यू। चलो चलिए अब हम जो है वो शुरू करेंगे हमारी थर्ड फाइल को, तो ये है हमारी थर्ड फाइल। ओके, इससे पहले दो फाइल हमने करी है, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो 72 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कर लिए, अब हम थर्ड जो है वो फाइल हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर टोटल मिला के 145 क्वेश्चन है। तो 217 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करने थे। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। अब जो थर्ड फाइल का पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है क्या, वो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गवर्नमेंट एजेंसी, इनमें से कौन सी मेन गवर्नमेंट एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप करने के लिए उसको मॉनिटर करने के लिए कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, तो वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो आएगा सी। आगे फिर आता है, बोलता है द थ्योरी सजेस्टिंग दैट द पैटर्न ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय द फैक्टर एंड डोमिनेंट, ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड का पैटर्न जो है वो डिटरमाइन करेगा किसकी वजह से, फैक्टर एंड डोमिनेंट की वजह से, रादर देन प्रोडक्टिविटी, वाज प्रोपाउंडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किस थ्योरी ने जो है वो बोला था, वो थी आपके हेक्शर ओलिंग की थ्योरी थी, जो फैक्टर एंड डोमिनेंट थ्योरी, उन्होंने बोला था कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो पैटर्न है वो डिसाइड करेंगे किससे, फैक्टर एंड डोमिनेंट से, मतलब कि आपकी जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा फैक्टर अवेलेबल होंगे उसका इंटरनेशनल ट्रेड जो है उतना ज्यादा रहेगा। तो ये फैक्टर हेक्शर ओलिन ने जो है वो बोला था, तो इसका थर्ड सेकंड का जो है वो आएगा क्या, सी। थर्ड, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड, किस मोड ऑफ एंट्री के अंदर इन द फॉरेन मार्केट आर रिस्क और प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो क्या होते हैं, हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा रिस्क होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल है, वो है जो कौन सा आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब आप FDI करते हो तो वहां पर रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा इसलिए कि अगर काम नहीं चला तो इतना पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया वो हमारा डूब भी सकता है, और लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है क्योंकि अगर आपने काम अगर वहां पर आपका काम चल गया तो फिर आप वहां पर इतना पैसा कमा, मतलब जो भी पैसा कमाओगे सारा आपका है, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, सी।
आगे फिर बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। 2020 के अंदर इंडिया से सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, वो हुआ है किस चीज का? तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ है वो हुआ है किसका? मिनरल फ्यूल का, इंक्लूडिंग ऑयल, वो हुआ है 10% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट का पार्ट है ये, ठीक है। और ये कितना है? 27.6 बिलियन। ये याद करके जाना कि सबसे लार्जेस्ट शेयर जो एक्सपोर्ट का है वो कौन सा था, तो वो ये है जी आपका, इसको हुआ है। आगे अब आया जी आपका assertion reasoning। assertion बोलती है comparative cost theory जो है वो static in character होती है। जो comparative cost theory है वो static theory है जी, बिल्कुल। तीन theory static के अंदर आती है, बाकी dynamic का पार्ट है। static वो है जिसके अंदर हम लोग जो है वो एक ही factor production को लेके चलते हैं जो कि labor है, ठीक है। तो static theory में तीन कौन कौन सी है? Mercantilism हो गया, एक आपका absolute cost advantage, और एक कौन सा? Comparative। तो assertion एकदम क्या है? सही है। दूसरा रीजनिंग बोलता है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज बेस्ड ऑन द फिक्स सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, फिक्स सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर ये बेस्ड है। और स्टैटिक का मतलब क्या है कि यहां पे आपके पास जो फैक्टर प्रोडक्शन वो ओनली एक ही है, और वो कौन सा? आपका लेबर। ये बात का ध्यान रखना। ओके, तो दोनों की दोनों बातें जो है वो क्या है? करेक्ट है। और जो रीजनिंग है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? डी। चलो जी आगे, नेक्स्ट assertion reasoning। पहले बोलता है in 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो अलाउ करेगी ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू एनी इंडस्ट्री विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्या ऐसा था? क्या गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि फॉरेन वालों कभी इंडिया में आओ और बिना रिस्ट्रिक्शन के आओ? नहीं सर, हम लोगों ने थोड़ा लिबरल हुए थे लेकिन पूरी तरह से फ्री नहीं किया था, वो आज भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। रीजनिंग बोलता है गवर्नमेंट हैज एनहांस द इन्वेस्टमेंट लिमिट। गवर्नमेंट ने जो ऐसे थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो लिमिट है, इन्वेस्टमेंट लिमिट, उसको एनहांस किए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो assertion जो है वो करेक्ट है। बोले तो ए इज सॉरी assertion फॉल्स है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो सिक्स का जो है वो आएगा क्या? डी। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है जिसका यूज करते हैं टू डिस्क्राइब करने के लिए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके मतलब ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम लोग जो है दूसरों के साथ इंटीग्रेट होते हैं, और जब हम दूसरों के साथ इंटीग्रेट होंगे तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करेंगे। किस किस पे लगने वाली रिस्ट्रिक्शन? एक तो फॉरन ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन, और एक कौन से? इन्वेस्टमेंट। तो आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। ये दोनों रिस्ट्रिक्शन को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, और अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ग्लोबलाइजेशन। तो सेवंथ का आएगा क्या? सी। एट्थ, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के रिस्पेक्ट में ए प्रोजेक्ट इज कॉल्ड टर्न की। एक प्रोजेक्ट को टर्न की प्रोजेक्ट बोलेंगे अगर अगर जो है वो क्या होगा? अगर लाइसेंसर जो होगा वो पहले अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करेगा, शुरुआत करेगा, और की को हैंड ओवर कर देगा ऑपरेशन के लिए किसको? लाइसेंसी को। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बी। आगे बोलते हैं हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट, इंडिया से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट करंट की, 2013-14 की नहीं, हम करंट की बात करते हैं 2020-21 की, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से किस कंट्री को हुआ? तो वो है किसको? यूएस को। ये बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको हुआ? यूएस को हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन आएगा बी। दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पे यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात को हुआ है, चौथे पे हांगकांग, और पांचवें पे सिंगापुर है। चलो जी आगे, नेक्स्ट बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनश्योर्ड, इनमें से कौन सी चीज एनश्योर नहीं होती है टू द कंज्यूमर इन द ग्लोबलाइजेशन? तो वो क्या है? वो है क्लियर ओरिजिन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ये चीज जो है वो एनश्योर नहीं होती है कि सामान बाहर से आया, भाई ओरिजिन क्या है सामान का, ये चीज। आगे फ्रॉम द फॉलोइंग मोड ऑफ द स्ट्रेटजी इंटरनेशनल बिजनेस आइडेंटिफाई करो मोड विद स्ट्रेटजिक अलायंस, कौन सा मोड है किसका? स्ट्रेटजिक अलायंस। तो जॉइंट वेंचर, एक मिनट, फ्रॉम द फॉलोइंग मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जो आपको फॉलोइंग मोड दे रखे आइडेंटिफाई करो मोड विच स्ट्रेटजिक अलायंस, जहां पे आपका जो है वो क्या होता है? स्ट्रेटजिक अलायंस होता है। तो आपका जो फ्रेंचाइजी है और जो लीजिंग है, ये दोनों मोड जो है ये कौन से आपके? स्ट्रेटजिक अलायंस, इनके अंदर जो है वो होता है। मतलब हमारा जो है वो बाहर वालों के साथ में स्ट्रेटजिक अलायंस होता है। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है उसकी आप कंटेक्स्ट को समझो एक बार, क्या बोलता है स्ट्रेटजिक अलायंस? यहां पे जो है वो बात करेगा किसका? जॉइंट वेंचर का। जब हम जॉइंट वेंचर करते हैं तो वहां पे हम लोग जो दूसरों के साथ में जो है वो क्या करते हैं? हमारी पॉलिसीज को जो है वो मतलब हम अपने अपने जो है वो क्या करते हैं? हमारी जो स्पेसिफिकेशन है उनको लेके आते हैं। तो यहां क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग मोड, इनमें से किस मोड, इंटरनेशनल बिजनेस के किस मोड के अंदर आइडेंटिफाई करो उस मोड को विच स्ट्रेटजिक अलायंस, जिसके अंदर स्ट्रेटजिक अलायंस होता है। तो आंसर इसका जो बनेगा वो बनेगा जॉइंट वेंचर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, स्ट्रेटजिक अलायंस जो है वो आपका मोड है, इसके जो आपका फ्रेंचाइजी होगा, लीजिंग होगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल मोड का पार्ट है। बट स्ट्रेटजिक अलायंस जो है वो है क्या? आपका जॉइंट वेंचर। तो ये दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल मोड है, ये आपका ट्रेड रिलेटेड मोड है। तीन तरह के मोड होते हैं, ये ट्रेड रिलेटेड है, ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल मोड है, लेकिन ये जो है ये आपका इन्वेस्टमेंट मोड। तो स्ट्रेटजिक अलायंस यहां कहां देखने को मिलेगा आपको? जॉइंट वेंचर के अंदर। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंदर लेविट थीसिस का क्या मतलब है? तो ग्लोबलाइजेशन का लेविट थीसिस का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी, मतलब एक ऐसी एक ही स्ट्रेटजी को बनाना रिस्पॉन्ड करने, तो वर्ल्ड वाइड होमोजेनाइज मार्केट, मतलब पूरी मार्केट के लिए एक ही स्ट्रेटजी बनाना और एक्सपेंड करना मार्केट को थ्रू द अग्रेसिव लो प्राइसिंग, प्राइस को बिल्कुल क्या करके कम करके, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेविट थीसिस। लेविट ने अपनी कुछ रिसर्च की थी उसके बेस पर बताया था, तो इसका ए। आगे 12th के बाद आएगा 13th क्वेश्चन, लो जी, मैच द फॉलोइंग, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है ये दिया था डेविड रिकार्डो ने, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो है वो दिया था गॉटफ्राइड हेफर्न ने, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो दिया था बर्टिन ओलिन ने, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड वो दिया था जेएस मिल ने। तो आंसर जो है वो 13 का वो बनेगा क्या, सी। चलो 14 बोलता है, द फोर्सेस दैट लैंड मोमेंटम, वो सब फोर्स जो मोमेंटम देगा टू द प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन, मतलब जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, मोमेंटम मिलना या फिर बेसिकली क्या जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द माइकल पोर्टर इंक्लूड द फॉलोइंग, जो माइकल पोर्टर ने जो ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करते उनके अंदर क्या क्या आएगा, तो उनके अंदर आएंगे जी आपके क्या, एक तो आएगा जी आपका फ्लूइड ग्लोबल कैपिटल मार्केट, जब ग्लोबल कैपिटल मार्केट होगी तो उससे आपका ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है ये, दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, जब टेक्निक आपका बढ़ेगी तो भी बढ़ेगा, डिक्रीज रिलीजियस कमांड, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके बाद में है जी आपका एथनिक डी कंट्रोल होगा तो इसका भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन का लेना देना नहीं है, न्यू ग्लोबल कंपटीशन अगर बढ़ेगा ये है, और एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 6521 सी, इनसे मोमेंटम मिलेगा ग्लोबलाइजेशन को। आगे क्वेश्चन 15 बोलता है, ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी स्प्रेड टू द एंटायर ग्लोब, ऑपरेटिंग स्टाइल जो है इंटरनेशनल बिजनेस का वो एंटायर ग्लोब के ऊपर जो है स्प्रेड किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, कंपनी अडॉप्ट भी करती है दूसरों के ऑपरेटिंग स्टाइल को, द स्टाइल इज लिमिटेड टू द इंटरनल इकोनॉमी ओनली, और फिर बोलता है कि स्टाइल जो है वो लिमिटेड है ओनली कहां, इंटरनल इकोनॉमी, स्टाइल जो है वो लिमिटेड है ओनली कहां तक, इंटरनल इकोनॉमी, एक मिनट, ऑपरेटिंग स्टाइल जो है इंटरनेशनल बिजनेस का उसको स्प्रेड किया जा सकता है एंटायर ग्लोब पे, ये सही है, फिर बोलता है स्टाइल इज लिमिटेड टू द इंटरनल इकोनॉमी ओनली, नहीं ये आपका क्या गलत है, तो 15 का आंसर जो है वो क्या बनेगा, सी, जिसमें ए जो है वो ट्रू है लेकिन जो आर है रीजनिंग जो है वो क्या है, फॉल्स है। आगे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है वो किसने दिया था, तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दिया था किसने, डेविड रिकार्डो ने। आगे कंपनीज ग्लोबलाइज करती है अपने ऑपरेशन को थ्रू डिफरेंट मींस, अलग अलग तरीकों से, जैसे एक्सपोर्ट करके, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजी करके, जॉइंट वेंचर करके, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, इन सभी मोड से जो है कंपनी अपने ऑपरेशंस को जो है वो क्या करती है, ग्लोबलाइज करती है। चलो जी आगे नेक्स्ट, इन इंटरनेशनल ट्रेड में भी जो द फॉलोइंग इज अ नॉन टैरिफ बैरियर, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर है, तो नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर कोटा नॉन टैरिफ बैरियर है, इंपोर्ट बैन लगाना नॉन टैरिफ बैरियर है, एक्सपोर्ट कंट्रोल, एक्सपोर्ट पे कंट्रोल क्या वो टैरिफ है, नॉन टैरिफ है सर, एक्सपोर्ट कंट्रोल है, यहां पे नॉन टैरिफ बैरियर होता है इंपोर्ट के लिए, ठीक है ना, एंड डंपिंग वो टैरिफ बैरियर है, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ई, ए एंड बी। आगे फ्रेंचाइजी इज ए प्रैक्टिस ऑफ, फ्रेंचाइजी के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, फ्रेंचाइजी एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम लीज करते हैं अपना प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम के लिए द राइट टू यूज फॉर्म सक्सेसिव बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड, कि एक दूसरे पर्सन को हम ये बोलेंगे कि आप कुछ समय के लिए जो है हमारे बिजनेस मॉडल को और हमारे ब्रांड को जो है वो सक्सेसफुली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 19th का ए। आगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्लूड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर जो है वो क्या आएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर गोल्ड भी आता है, यूएस डॉलर भी आता है, तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। इसके बाद इसके अलावा और क्या आता है, गोल्ड आएगा, डॉलर आएगा और साथ में एसडीआर भी आएगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है वो भी आएगा, और गोल्ड के इसके डॉलर के अलावा जो है वो यूरो येन ये भी इसका जो है वो पार्ट बनता है, और चार आती हैं इसमें फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी के अंदर बेसिकली आपकी जो जिसको हम होल्ड कर रखते हैं, एक तो यूएस डॉलर है, एक आपका जैपनीज येन है, एक आपका यूरोपियन यूरो, और एक आप जो है वो लेके चलते हैं यूके का क्या पाउंड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड इन द मोड ऑफ द एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब कौन सा इनमें से जो है मोड ऑफ एंट्री का पार्ट नहीं है, एक्सपोर्टिंग पार्ट है, लाइसेंसिंग पार्ट है, इंपोर्टिंग जो है वो इसका पार्ट नहीं है, तो 21 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। 22 थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज किसने प्रोपाउंड किया था, तो ये दिया था जी आपके किसने, डेविड रिकार्डो ने। आगे
बोलते हैं द थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज एज्यूम करता है कि सिंगल फैक्टर प्रोडक्शन है, और वो सिंगल फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, वो होगा जी आपका क्या, लेबर, और इसीलिए इसको स्टैटिक थ्योरी बोलते हैं। आगे व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ द हेक्शर ओलिन मॉडल, इनमें से कौन सी जो है वो हेक्शर ओलिन मॉडल की जो है वो क्या अजम्पशन है। तो हेक्शर ओलिन मॉडल ये बोलता है नो ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रेड, मतलब ट्रेड के ऊपर कोई भी रुकावट नहीं होगी। दूसरा कॉमोडिटी और फैक्टर जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, और बोथ कंट्री ऑपरेट करते सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी। तो आंसर जो है वो क्या है, डी बोल दो, ऑल ऑफ द अबव। आगे द कंपेटिटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड वाज डेवलप्ड बाय, जो कंपेटिटिव कॉस्ट थ्योरी थी वो किसने डेवलप करी, तो वो डेवलप करी है किसने, डेविड रिकार्डो ने, और एब्सोल्यूट किसने किया था, एडम स्मिथ ने, ध्यान रखना। आगे फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रोपाउंड बाय, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो दी थी किसने आपके, बर्टिल ओलिन ने, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। आगे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर इन द इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंटरनेशनल पीएलसी के अंदर जो मेन फैक्टर हम लोग कंसिडर करके देते हैं वो क्या क्या है। तो एक तो है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर जो है वो इंपोर्टर बन जाएगा, और दूसरा है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। आगे एंटी डंपिंग ड्यूटी आर यूज टू, एंटी डंपिंग क्या होता है, डंपिंग के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए गवर्नमेंट जो एडिशनल ड्यूटी लगाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंटी डंपिंग। तो इसलिए बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी आर यूज टू, इसको इस्तेमाल करते हैं क्या करने, ऑफसेट करने के लिए मार्जिन ऑफ डंपिंग, जो डंपिंग का जो बेनिफिट, जो मार्जिन दिया था, मतलब दूसरे देश की गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्टर्स को जो बेनिफिट दिए थे, तो उसके इंपैक्ट को नलीफाई करने के लिए हम लगाते हैं। तो इसका आएगा क्या, ए। आगे अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, किस थ्योरी के अंदर एक कंट्री में भी मोर एफिशिएंट है इन प्रोड्यूसिंग ए पॉलिटिकल गुड्स देन द अदर कंट्री, मतलब एक कंट्री मोर एफिशिएंट है, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिवली दूसरों से अच्छा सामान बना दिए, ठीक है, एंड दैट अनदर कंट्री में बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सम गुड्स मोर एफिशिएंटली देन द फर्स्ट वन, और दूसरी कंट्री के पास में एक ऐसी एडवांटेज है कि वो पहले वाले से दूसरी गुड्स में अच्छा सामान बना सकती है, तो वो कौन सा है, वो आपका थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो 29 का जो है वो बनेगा क्या, बी, एडम स्मिथ ने दिया था ये, ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसके अंदर वो बोलता है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या होता है, इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस द गुड्स मोर एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली देन द अदर कंट्री। आगे विच थ्योरी एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द टू नेशन ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी बेनिफिटिंग बाय द ट्रेडिंग ईच अदर, तो वो कौन सी है, वो है आपका हेक्शर ओलिन मॉडल। दो नेशन जो एक लेवल के ऊपर जो है वो अगर काम करेंगे तो एक दूसरे को जो है उनसे क्या होगा, फायदा होगा। आगे विच द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो सबसे पहला बोलता है कंट्री शुड एक्सपोर्ट मोर देन द इंपोर्ट एज पर द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मर्केंटलिज्म के अंदर थ्योरी जो है, मर्केंटलिज्म थ्योरी ये बोलती है कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं। बी थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोपाउंड बाय एडम स्मिथ, ये गलत हो गया, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो दिया था किसने, आपका डेविड रिकार्डो। तो आंसर जो है 31 का वो क्या आएगा, ए। आगे डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन वन कंट्री एंड द टाइम व्हेन द प्रोड्यूसर इन द अदर कंट्री स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमिटेशन, इमिटेशन गैप, नकल, मतलब मैंने कोई सामान बना के दे दिया और उसके बाद मेरे प्रतिस्पर्धी जो है, मेरे साथ जो कंपटीशन करने वाले हैं वो उसको नकल मार के सामान बनाएंगे, मेरे सामान का डुप्लीकेट बनाएंगे, तो वो जो गैप रहेगा उन दोनों के बीच में अभी, ठीक है, उसको बोलते हैं इमिटेशन गैप। आगे वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन फॉर द मल्टीनेशनल फर्म, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस है किसका, ग्लोबलाइजेशन का फॉर द एमएनसीज के लिए, ठीक है, एमएनसीज की बात हो रही है। तो एमएनसी के लिए जो ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो क्या है, कि जो रीजन है आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट इन द ग्लोबल कॉम्पिटिशन। अब रीजन का अपने पास कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि हम होल वर्ल्ड को, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पे हम होल वर्ल्ड को एज ए सिंगल मार्केट ट्रीट करते हैं, एज ए सिंगल मार्केट हम ट्रेड करते हैं। तो यहां पे हमारा जो रीजन है वो नो लॉन्गर इंपोर्टेंट, आप अपने सामने जो वो इंपोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट की तरह देखते हैं। चलो जी आगे, ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बिजनेस बिकॉज, ग्लोबलाइजेशन जो है वो बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों, वाई, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो वल्नरेबिलिटी जो है पॉलिटिकल रिस्क की और अनसर्टेनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप ग्लोबलाइज हो जाओगे तो आप विदेशों में जाके काम करोगे, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल रिस्क भी आपको जो है उठाना पड़ेगा। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ए। और दूसरा ये बोल रहा है कि इट मीन्स डेट दे कैन इंक्रीज प्राइस, क्या ग्लोबलाइजेशन से हमेशा प्राइस बढ़ते हैं, क्या पता बाहर वाला हमको सस्ता सामान दे, ये गलत हो गया। और तीसरा इट कैन रिजल्ट इन मोर कंपटीशन, क्या ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन बढ़ता है, बढ़ेगा लेकिन उसका फायदा मिलता है अपने को, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे
ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को टू द रियलाइज द बेनिफिट ऑफ द ज्योग्राफी डेमोग्राफी कोस्ट एंड एफिशिएंसी. विच थ्री कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट द ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन सा जो है वो ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो क्या होगा, श्रिंकिंग स्पेस, स्पेस जो है वो अब क्या हो गया, खत्म हो गया, और श्रिंकिंग टाइम, टाइम खत्म हो गया, एंड डिसअपीयरिंग बॉर्डर. तो बॉर्डर भी क्या हो गया, अब खत्म हो गया, क्योंकि अब जो है वो सारी बाउंड्रीज क्या हो गई हैं आपस में, मतलब बाउंड्रीज जो है जो बाउंड्री के ऊपर हमें कंट्रोल लगा था वो क्या हो गया, खत्म हो गया. तो बॉर्डर जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया. अब आप कहीं पर भी जाके और अपना ट्रेड कर सकते हो. तो 35 का जो आएगा वो क्या आएगा, डी. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, करेक्ट है. पहला, प्रॉफिट एडवांटेज जो है ऑब्जेक्टिव होता है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का. जी बिल्कुल, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं प्रॉफिट एडवांटेज के लिए. दूसरा, इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करता है रिमूव करने डोमेस्टिक मार्केट कंसेंट को. ये भी बिल्कुल सही बात है, जो डोमेस्टिक मार्केट में हमारे जो रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं. तीसरा, इंटरनेशनल बिजनेस श्रिंक करता है बिजनेस रिस्क को. ये भी बिल्कुल सही बात है. तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, बोल तो डी. नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड अनेबल करता है कंट्री को कि वो कंज्यूम करे थिंग्स विच इट कैन नॉट प्रोड्यूस. बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल ट्रेड ये तो बोलता है कि आप ऐसे सामान को भी कंज्यूम कर सकते हो जो आप खुद नहीं बनाते, तो बाहर से ला के आप उसको कंज्यूम कर सकते हो. ये सही है. रीजनिंग बोलता है इंटरनेशनल ट्रेड फोस्टर करता है किसको, ट्रेड को. और इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जो है जो व्यापार हमारा क्या होता है, बढ़ता है. ये भी बात एकदम क्या है, सही है. तो दोनों बातें एकदम सही है, और रीजनिंग करेक्टली जो है वो क्या कर रहा है, असम्पशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है. क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार अगर बढ़ता है तो उससे जो है हम ऐसे सामान को भी कंज्यूम कर सकते हैं जो हम नहीं बनाते. तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए. आगे, असक्षम रीजनिंग है. सबसे पहला, रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर में रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. अगर आप जो है वो ट्रेड बैरियर्स को क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो उससे इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा. जी बिल्कुल सही बात है. फिर बोलते हैं इकोनॉमी डज नॉट डिपेंड ऑन ग्लोबल मार्केट, जो हमारी अर्थव्यवस्था उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट का प्रभाव नहीं पड़ता. सर क्या बात कर रहे हो, अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट पड़ता है. तो रीजनिंग क्या हो गया, गलत हो गया. आंसर क्या आएगा कि असर्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, जबकि रीजनिंग इनकरेक्ट है, सी. आगे, असर्शन दिया, बोलता है परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है इन द प्रोडक्ट मार्केट इन ईच कंट्री. बोलता है परफेक्ट कंपटीशन आपको जो है वो हर जगह देखने को, परफेक्ट कंपटीशन ओनली एग्जिस्ट करेगा इन द प्रोडक्ट मार्केट इन ईच कंट्री. ठीक है जी, एक में परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ओनली एग्जिस्ट इन द प्रोडक्ट मार्केट. हाँ ये सही है, परफेक्ट कंपटीशन ओनली प्रोडक्ट मार्केट में ही जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, बोलते सर्विस में नहीं करेगा. फिर रीजनिंग जो है वो इसकी ये बोलता है कि एक मिनट रुको यार, परफेक्ट कंपटीशन ओनली एग्जिस्ट इन द प्रोडक्ट मार्केट. क्या परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन आज की डेट में आप देख सकते हो, नहीं, ये गलत है आपका, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अपने को अपने यहां पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है. ये गलत है आपका. मैक्सिमम अगर देखने को मिलेगा तो प्योर कंपटीशन देखने को मिल सकता है, बट परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक ओनली थ्योरेटिकल फिनोमेना है. तो ये गलत हो गया. फिर बोलते हैं बैरियर आर ऑफन क्रिएट टू बेनिफिट स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप. बैरियर लगाए जाते हैं एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए. हाँ ये सही है, क्योंकि बैरियर से जो है वो फायदा किसको मिलेगा, डोमेस्टिक नेशन को फायदा मिलता है. तो ये आपका एकदम क्या सही है. तो यहां पे आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा, रीजनिंग जो है वो करेक्ट है बट असर्शन इनकरेक्ट है. बोलो तो बी, 39 का आएगा बी. मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो देखने को नहीं मिलेगी, मोर रियलिस्टिक फिनोमेना होता है प्योर कंपटीशन मार्केट. ठीक है, चलो 40 से वो क्या बोलता है, ट्रेड बैरियर आर द रिस्ट्रिक्शन. ट्रेड बैरियर वो सब रिस्ट्रिक्शन है जो इम्पोज की जाती हैं किस पे, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्री. हाँ ये सही बात है, ट्रेड बैरियर यही तो होता है जो हम रुकावटें लगाते हैं. फिर बोलता है मेजर पर्पज जो है ट्रेड बैरियर का वो क्या है, इज टू प्रमोट करना डोमेस्टिक गुड्स देन द एक्सपोर्टेड गुड्स. जो मेजर पर्पज है ट्रेड बैरियर लगाने का वो ये है, क्योंकि बैरियर इसलिए हम लगाना चाहते हैं जिससे हम डोमेस्टिक गुड्स को क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं. ये भी बिल्कुल सही है, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ऊपर क्या बोल रहा है कि ट्रेड बैरियर वो रुकावटें हैं जो लगाते हैं बाहर वाली गुड्स के ऊपर, और नीचे बोल रहे हैं ऐसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं. तो आंसर जो आएगा 40 का वो क्या आएगा, ए. आगे, मैच द फॉलोइंग. 41 जो है उसमें आपको मैचिंग करना है. सबसे पहला, इंपोर्टिंग का मतलब क्या, ये इंपोर्ट करना मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है. मार्केटिंग जो है वो क्या है, फंक्शन इंटरनेशनल बिजनेस का. सेल्स को एक्सपेंड करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, और इकोनॉमिक फोर्स जो है वो क्या है, उनका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पड़ता है. तो 41 का आएगा ए. आगे, थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये बोलता है इट एट्रीब्यूट द इंक्रीज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन बाय द साइज एक्युमुलेटेड ट्रेजर. ये फिर थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो बात करेगा इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस ए गुड मोर. ठीक है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट हो गया, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव जो वो जो है वो क्या बोलता है,
वो बोलता है कि व्हाट ईच कंट्री विल एक्सपोर्ट एंड व्हाट इट विल इंपोर्ट इज डिटरमाइंड बाय द कंपैरेटिव डिफरेंस ऑफ द लेबर कॉस्ट। और रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी जो है वो दिया था किसने, स्टुअर्ट मिल ने। ये तो आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा 42 का ए। अब 43, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज इज कोटेड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी। और स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो कोट किया जाता है इमीडिएट डिलीवरी अगर आपको करनी है, ठीक है, वो किसकी, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज जो है स्पॉट रेट आज ही कॉन्ट्रैक्ट की और आज ही डिलीवरी हो जाएगा तो वो किसके लिए होता है, वो होता है आपके फॉरेन एक्सचेंज के लिए। तो 43 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, फॉरेन एक्सचेंज। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है। तो कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, वो ये है कि परमिट जो इशू करती है कस्टम अथॉरिटी टू एक्सपोर्ट गुड्स इज डॉक वारंट। वो डॉक वारंट होता है जो उन्होंने परमिट इशू कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑथराइजेशन। वो डॉक वारंट का पार्ट नहीं है। तो आंसर इसका आएगा बी, बाकी सब करेक्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है। जैसे ऊपर बोलता है आइटम इन द नेगेटिव लिस्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है, नेगेटिव लिस्ट में अगर गवर्नमेंट ने कोई आइटम डाल दिया तो उसका आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। फिर आइटम विच रिक्वायर लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट आर रिस्ट्रिक्टेड होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है वो क्या बोलता था कि परमिट अगर इशू किया कस्टम अथॉरिटी ने टू एक्सपोर्ट द गुड्स इज ए डॉक वारंट, नहीं ये आपका गलत है, उसको ऑथराइजेशन बोलते हैं। आगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द वे ऑफ अराइवल ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। तो कौन सी ट्रू है, इन रिलेशन टू द एफडीआई कमिंग थ्रू ऑटोमेटिक रूट। अगर मान लो एफडीआई आती है कहां से, ऑटोमेटिक रूट से, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से कोई प्रायर अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एकदम सही है। बाकी ऊपर वाले दो और नीचे वाली एक जो है ये क्या है, गलत है आपका, ये ध्यान रखना। एफडीआई दो तरीके से आती है, एक आता है गवर्नमेंट रूट, एक आती है ऑटोमेटिक। गवर्नमेंट रूट में तो आपको एफडीआई करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, बट ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपको जो है वो परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो जी आगे, नेक्स्ट, करंटली इन विच, आपको इनमें से बताना है कौन कौन से प्रोहिबिटेड है। तो एटॉमिक एनर्जी जो है एफडीआई के लिए प्रोहिबिटेड है, लॉटरी बिजनेस प्रोहिबिटेड, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, होम एंड रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, तो सिगार बिजनेस, रेट और मेट्रो, ये सब जो है वो क्या है जी, आपका प्रोहिबिटेड है। तो 46 का जो है वो आएगा क्या, डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सा बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं है। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम होता है, सेक्युलर होता है, साइक्लिकल होता है, बट ट्रांजैक्शनल डिसइक्विलिब्रियम कोई भी नहीं होता। डिसइक्विलिब्रियम क्या है, जब आपका फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों मैच ना करे। आगे, फिजिकल डिलीवरी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज हैज टू टेक प्लेस इन केस ऑफ, फिजिकल डिलीवरी जो है फॉरेन एक्सचेंज की वो हम करते हैं कहां पे, वो होता है आपका स्पॉट मार्केट के अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे, वैसे एक मिनट रुको, ये इस क्वेश्चन में एक बात और याद रखना, फिजिकल डिलीवरी जो है फॉरेन एक्सचेंज की वो होती है दो जगह पे, स्पॉट में भी और फॉरवर्ड में भी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं है तो इसलिए हमने ए किया। अगर नीचे होता ए और बी तो हम दोनों करते, क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट के अंदर भी जो है वो फिजिकल डिलीवरी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज होता है, क्योंकि बैंक आपको डिलीवर करता है। आगे, द डी वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, हम अपनी करेंसी को डी वैल्यू करते हैं फॉरेन करेंसी के मुकाबले में, ठीक है, वो कब करते हैं, वो दोनों केस में करते हैं, अगर एडवर्स बीओपी है तो भी करते हैं, और अगर फेवरेबल है तो उसको और बढ़ाने के लिए हम लोग जब अपनी करेंसी को डी वैल्यू करेंगे, जिससे एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बोथ 1 एंड 2, 49 का ए। आगे, 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, आपकी इनकरेक्ट है। तो बोलता है बीओपी के अंदर इंडेमनिटी जो पेड बाय द फॉरनर इज अनरिक्यूटेड रिसीट, जो इंडेमनिटी जो पे करते हैं, ध्यान से सुनना, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है वो बतानी है अपने को। ओके, तो बोलता है बीओपी में जो इंडेमनिटी जो आपको सहायता मिली फॉरनर से इज अनरिक्यूटेड रिसीट, अच्छा। दूसरा बोलता है इन द बीओपी गिफ्ट फ्रॉम द फॉरनर इज आर कैपिटल फ्लो, क्या वो कैपिटल का फ्लो है, तो ये भी आपका गलत है। और ऊपर वाला जो है ये भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि बीओपी के अंदर जो इंडेमनिटी जो क्षतिपूर्ति करते हैं फॉरनर्स ने अगर आपको कोई पैसा दिया वो अनरिक्यूटेड होता है, अनरिक्यूटेड नहीं, हम खुद मांगते हैं तो वो हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों जो है वो क्या है हमारे गलत। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, दोनों आपके क्या है, आपके इनकरेक्ट है। एक मिनट रुको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडेमनिटी पेड बाय द फॉरनर इज अनरिक्यूटेड एंड इन द बीओपी, अरे इसको सही करो, थोड़ा इसको सही करो, ये जो है इंडेमनिटी, हाँ अब इसको, इसका आंसर जो है वो आएगा बी 50 का। अब समझो इसको पहले एक बार दोबारा, अगर मान लो जैसे नेपाल के अंदर जो है वो आ गई बाढ़ आ गई, ठीक है, तो हमारे कंट्री ने
उनके कहने से पहले उनको जो है वो कुछ पैकेज प्रोवाइड किया, ओके okay, तो उन्होंने मांगा नहीं था लेकिन हमने दिया। तो इंडेमिटी मतलब क्या हो गया, क्षतिपूर्ति, वहां पे कोई नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम लोगों ने कर दी। तो वो क्या अनरिक्विटेड रिसीट है, अनरिक्विटेड मतलब जिसके लिए उन्होंने जो है वो मांगा नहीं था और बदले में वो कुछ हमको देंगे भी नहीं। हाँ ये एकदम क्या है, करेक्ट है, एक मिनट, हाँ ये क्या है, करेक्ट है। लेकिन बीओपी, बीओपी के अंदर गिफ्ट जो मिलता है फोनर से, इस और कैपिटल इनफ्लो होता है, वो कैपिटल का इनफ्लो नहीं, गिफ्ट अगर मिलता है तो वो करंट अकाउंट के आइटम होते हैं, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। ये आपका जो है वो क्या है, रोंग है। तो आंसर जो है आपको ये तो बताना था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो बी आपका इनकरेक्ट है, ऊपर वाली जो है वो क्या है, सही है। चलो नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिया, पहला स्टेटमेंट बोलता है बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग जो है वो एक डॉक्यूमेंट है टाइटल का, बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली जो है वो टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, हाँ जी ये सही है। स्टेटमेंट टू बोलता है बिल ऑफ लेडिंग कंटेन ऑल द टर्म एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बिटवीन द शिप ओनर एंड द चार्टर, क्या ये बिल ऑफ लेडिंग है, नहीं सर, बिल ऑफ लेडिंग जो है वो होता है बेसिकली आपका ओनरशिप का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और ये जो होता है जो शिप ओनर में और चार्टर के बीच में होता है ये डॉक्यूमेंट है आपका, ये आपका चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका एक मिनट आंसर तो बताया नहीं मैंने आपको, इसका आंसर जो है 51 का वो आएगा सी, पहली करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। आगे बोलते हैं इजी इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है इन स्मूथ वर्किंग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, जो इजी इंटरनेशनल ट्रेड है वो आपको मदद करता है क्या करने में, स्मूथ वर्किंग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड करने में, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोलते हैं मैनी पेरेंट एंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं एफडीआई बिकॉज ऑफ टैक्स इंसेंटिव, बहुत सारी कंपनीज जो है वो बाहर एफडीआई करती है क्योंकि बाहर वाले गवर्नमेंट से अपने को क्या मिलता है, टैक्स इंसेंटिव मिलता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए। आगे बोलते हैं इन इंडिया इन 1992 इंडिया ने ओपन किया अपनी इकोनॉमी को एंड अलाउ किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट, जी बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और ये जो है वो पार्ट है किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का, ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। बोलते हैं 1992 के अंदर इंडिया ने ओपन कर दी इकोनॉमी एंड अलाउ किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इट्स डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट, ये बिल्कुल सही है। और ये पार्ट था इंटरनेशनल ट्रेड का, क्या ये अर्थ इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है, ये इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट, बोलो क्या इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है, नहीं सर ये इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का आना ये किसका पार्ट है, इंटरनेशनल बिजनेस का। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बेसिकली जो है वो आता है क्या आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बेसिकली, ठीक है ना, तो ये बात जाना है ये इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। तो आंसर जो बनेगा 53 का वो क्या बनेगा, फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, बोले तो सी। आगे बोलता है द बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक मिनट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ द रेजिडेंट, जो हमारे रेजिडेंट है उनका जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करिए नॉन रेजिडेंट के साथ में, ठीक है ना, उनका रिकॉर्ड है, तो ये जो है वो क्या है, गलत है। दूसरा फिर बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग है किससे, बैलेंस ऑफ ट्रेड से, बिल्कुल सही बात है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अलग है और बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग है, एक्चुअल के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट टू जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो 54 का जो है वो आएगा जी आपका डी, फर्स्ट इनकरेक्ट लेकिन स्टेटमेंट टू करेक्ट है। आगे बच्चों क्या बोलते हैं, बोलता है बीओपी के अंदर एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, बीओपी के अंदर हर ट्रांजेक्शन के जो है वो दो एस्पेक्ट होते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर बोलता है सीन्स फॉर एवरी क्रेडिट, हर क्रेडिट के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट होगा और हर डेबिट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा, इसीलिए हर ट्रांजेक्शन का जो है वो क्या होगा, दो इफेक्ट होगा। तो रीजनिंग भी करेक्ट है और रीजनिंग करेक्टली एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। आगे असर्शन दिया, बोलता है करंट अकाउंट और द इनकम अकाउंट ऑफ द बीओपी इंक्लूड द फ्लो ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, जो करंट अकाउंट के अंदर गुड्स और सर्विस का फ्लो आता है, ये बिल्कुल सही है। फिर आगे बोलता है करंट अकाउंट यूजली सब डिवाइड है विजिबल और इनविजिबल में, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आएगा 56 का वो क्या आएगा, ए, दोनों आइटम जो है वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, बोल तो ए। नेक्स्ट आगे बोलता है 57 के अंदर, बोलता है कैपिटल अकाउंट कवर करता है डेट एंड द क्लेम पेबल इन द मनी और दोस, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे आपके बेसिकली ये कवर करता है किसको, डेट्स को, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कैपिटल अकाउंट के अंदर डेट आएगा और जो या फिर जो वो क्लेम जो हमारी लाइबिलिटीज है जो पेबल है मनी के अंदर या अलग दोस में, ये भी आएगा। फिर बोलता है कैपिटल अकाउंट डिवाइड है ऑफिशियल में और प्राइवेट में ऑन द बेसिस दैट द प्राइवेट कैपिटल फ्लो नॉर्मली टेक प्लेस इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉफिट और अवॉइड लॉस, ये भी बिल्कुल सही है लेकिन इसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सेप्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। आगे
फिर आ गया जी मैच द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो है वो क्या है, ट्रेड बिटवीन टू और मोर नेशन, उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। बिल ऑफ लेडिंग जो है वो क्या है आपका, तो बिल ऑफ लेडिंग है आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और कोटेशन जो है वो क्या होती है, तो कोटेशन बेसिकली ये रिप्लाई है सेलर के द्वारा टू द प्रोस्पेक्टिव बायर। अगर बायर कई बार ना कोटेशन मंगाता है तो सेलर उसको रिप्लाई करता है, इसको कोटेशन बोलते हैं। और लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या है, ये अंडरटेकिंग है बाय इट्स इशू डेट द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रोन बाय द फॉरेन डीलर ऑन द इंपोर्टर विल बी ओनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन अपॉन द स्पेसिफाइड अमाउंट। कि जब स्पेसिफाइड स्पेसिफिक डेट आएगी तो अगर आप ये प्रेजेंट करोगे तो हम आपको पेमेंट कर देंगे, उसको बोलते हैं एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा जी आपका बी। 3, 2, 4, 1 नेक्स्ट 59 के अंदर आओ जी, क्वेश्चन नंबर 59। ये क्या बोलता है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो क्या है, सेल ऑफ गुड्स एब्रोड। मर्केंडाइज इंपोर्ट, इंपोर्ट जो है वो क्या है जी आपका, परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स। इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो क्या है आपका, डिविडेंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द एब्रोड, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब क्या, जब एक्सेस होता है इंपोर्ट ओवर द एक्सपोर्ट। तो डी का आएगा 3। तो 59 का जो बनता है वो क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। आगे 60, क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो क्या बोलता है, आपको मैचिंग करना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट और उनके फीचर बता रखे हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो क्या, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब हमारे पास एक एबिलिटी है कि हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स मोर एफिशिएंटली, तो एक आएगा। सेकंड, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या बोलता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो है आपका क्या, डिफरेंस बिटवीन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, या बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। स्टैटिक डिसइक्विलिब्रियम जो है वो क्या है आपका, ये है स्टेट इन विच एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट होता है। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो। और जो सेक्युलर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आपका एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, जब लंबे समय से आपका बीओपी एडवर्स चल रहा होता है इसको बोलते हैं, बीओपी अगर डिसइक्विलिब्रियम में चल रहा है उसको बोलते हैं सेक्युलर, और शॉर्ट टर्म के लिए हो तो उसको बोलते हैं टेंपोरल, ठीक है ना। तो 60 का हो गया आपका सी। आगे 61, एफओबी बेसिस का मतलब क्या है, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है बेसिकली, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है प्राइस पेड फॉर द इंश्योरेंस एंड शिपमेंट ऑफ द गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूड। CIF के अंदर इंश्योरेंस का जो प्राइस है वो क्या होता है, इंक्लूड होता है, लेकिन एफओबी के अंदर जो है इंश्योरेंस का और रस्ते का जो खर्चा वो इंक्लूड नहीं होता। तो ए का तो आएगा सेकंड। ऑफिशियल रिजर्व जो है वो क्या, ऑफिशियल रिजर्व का मतलब मीन्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल, ये मैनुअल क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली परफॉर्मा दिया जाता है कि आपको बीओपी कैसे बनाना है। तो ये प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट टू बी फॉलोड बाय द कंट्री व्हाइल कंप्यूटिंग बीओपी डेटा टू एंश्योर कंसिस्टेंसी। और बिल ऑफ लेडिंग जो है वो क्या है, बिल ऑफ लेडिंग आपका बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। तो 61 का आएगा 4। तो आंसर जो बनेगा 61 का वो ए, 61 का ए है, सॉरी मैंने 4 बोल दिया था। आगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, किस रूट से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये सारे इसके मोड है, एफडीआई कर लो, एफपीआई हो गया, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर हो गया, ये सब जो है वो पार्ट है किसका, आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। तो 62 का आंसर जो है वो क्या आएगा, डी। आगे बैलेंस 63 वाला देखो, बोलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसको बोलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। करंट अकाउंट का मतलब जो है वो क्या है आपका, करंट अकाउंट के अंदर आएगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द गुड्स ऑफ सर्विस एंड यूनिटेड ट्रांसफर द गुड्स एंड सर्विस, ये आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो है वो क्या आएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वो सब ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट एंड द रेजिडेंट ऑफ द अदर कंट्री, ठीक है, ये आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। और कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन लीडिंग टू द चेंज इन द फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटी, ये पार्ट है किसका, कैपिटल अकाउंट का। तो 63 का जो आंसर बना वो क्या बना, ए। ये 63 के बाद अब आएगा जी 64। 64 जो है वो क्या बोलते हैं, आइए बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एट एम टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, हम ऐसा सामान बाहर जाके बनाएंगे जो हम अपनी कंट्री में नहीं बनाते, तो वो कौन सी एफडीआई, वो है पार्ट किस किसका, कॉन्ग्लोमरेट का। आगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्री एम टू सेल द आउटपुट ऑफ द फॉर्म डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये जो है वो किसका पार्ट है आपके, तो ये है जी आपका किसका, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। एक स्टेप आगे चले गए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसी एम टू प्रोवाइडिंग इनपुट, अगर इनपुट के लिए बाहर जाते हो तो वो है किसका, बैकवर्ड वर्टिकल। और फॉरन फॉर्म जो इन्वेस्ट करती है ओवरसी एंड टेकिंग कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एसेट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनवर्ड एफडीआई, बाहर किससे जो है वो एफडीआई आई है हमारे यहां पे कंट्रोल लेने के लिए। तो डी का बनेगा 1। तो आंसर जो है इसका 64 का वो है जी क्या, सी।
चलो जी नेक्स्ट पैसेज बोलता है कंपनीज विद लो कैश रिजर्व, जिस कंपनी के पास में लो कैश रिजर्व वो नॉर्मली प्रेफर करेगी लाइसेंसिंग मोड को रादर देन एफडीआई। ये बिल्कुल सही बात है, जिसके पास में जो है वो कैश नहीं है तो वो एफडीआई तो कर नहीं सकता, उसके लिए तो ह्यूज कैश की रिक्वायरमेंट है, ये एकदम सही है। फिर स्टेटमेंट टू जो है वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो कैश रिच फॉर्म्स होती है वो नॉर्मली प्रेफर करती है किसको, एफडीआई, जिसके पास पैसे की जो है वो कमी नहीं होती है तो वो जनरली बाहर जाके जो है वो क्या करता है एफडीआई करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है सही, तो आंसर क्या आएगा ए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलो जी आगे FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड रिवैम्प करता है रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को रिवैम्प करता है, रिलेटेड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आगे विच वन ऑफ द फॉर्म विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ FDI, इनमें से कौन सा जो FDI का फॉर्म नहीं है, मतलब FDI जो है का फॉर्म नहीं है, तो वो क्या है मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाना, वो FDI का पार्ट नहीं है। सी आगे द कंपनी हैविंग बिजनेस इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्री, एक कंपनी है जिसका लार्ज नंबर ऑफ कंट्री के अंदर काम चलता है अराउंड द वर्ल्ड एट प्रेजेंट आर कोल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं GC ग्लोबल कंपनी, तो 68 का आएगा सी। आगे 69 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO, इनमें से कौन सा जो है WTO का फंक्शन नहीं है, तो WTO के अंदर जो है वो क्या क्या आता है बेसिकली, तो टू फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ऑपरेशन फॉरेन एग्रीमेंट, ये WTO के अंदर आता है, टू सेटल द डिफरेंस एंड द डिस्प्यूट, ये DSB करता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अच्छा टू कैरी आउट द पीरियोडिकल रिव्यू, ये भी करती है कौन TPRB ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, लेकिन टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन द बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये जो है वो WTO का बेसिक फंक्शन नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा सी। आगे ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्ट इन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस की वजह से जो है वो क्या हुआ, क्या एस्टेब्लिश हुआ, तो IMF और IBRD बने थे डी। आगे नामा जो है वो क्या है, तो नामा जो है वो बेसिकली इट इंक्लूड इंडस्ट्रियल गुड्स टेक्सटाइल ज्वेलरी फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो नामा के अंदर वो सारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आती है, इसका हो गया नामा का टू। गैट जो है वो क्या है, ये है लिबरलाइजेशन ऑफ द ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विस, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो हुआ था आपका उसको बोलते हैं। ट्रिम्स जो है वो क्या है, ट्रिम्स TRIM, तो ये है इन्वेस्टमेंट मेजर को क्या करना, लिबरल करना, तो ये है आपका क्या ट्रिम्स हो गया फर्स्ट, लिबरल करना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को। ट्रिप्स जो है वो क्या है, प्रोवाइडिंग मोनोपोली पावर टू ओनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो 71 का जो आंसर बनता है वो है जी क्या आपका सी। चलो जी नेक्स्ट 72 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, IMF है, IBRD है, ADB भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन IFRS इसका पार्ट नहीं है। आगे स्टेटमेंट दिया बोलता है WTO इज ओनली, WTO ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है WTO इज ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है द लिमिट ऑफ होल्डिंग बाय द इंडिविजुअल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो थी उनकी लिमिट को जो है 5% से बढ़ा के 10% कर दिया, और कंपनी का जो शेयर था एग्रीगेट के अंदर वो 24 से बढ़ा के कितना कर दिया था, 34 कर दिया था जी, ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों बातें क्या है करेक्ट आंसर आएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। चलो जी आगे विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है करेक्ट है विद रिगार्ड टू द WTO के रिस्पेक्ट में अगर बात करते तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है जी आपका करेक्ट है, ठीक है वो आपको जो है वो बताना है इसमें। तो पहला WTO इनिशिएट किया पीस प्रोसेस ड्यूरिंग द मेंबर कंट्री टू एनहांस द इंटरनेशनल ट्रेड को एनहांस करने के लिए, भाई वो जो झगड़ा था डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए उसने पीस प्रोसेस स्टार्ट किया, तो ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है जी। आगे WTO अवॉइड करता है टास्क ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द मेंबर कंट्री, WTO अवॉइड करता है इसको, डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं करता सर, WTO ने डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए DSB बना रखा है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, तो ये भी गलत हो गया। WTO एडमिस करता है ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म, बिल्कुल WTO ने TPRB ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बना रखी है, उसकी मदद से WTO जो है वो क्या करता है मेंबर कंट्री की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करता है, ये सही है। फिर WTO कोऑपरेट करता है इन एप्रोप्रिएट मैनर विद IMF एंड वर्ल्ड बैंक, WTO क्या इनके साथ कोऑपरेट करता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या है 3 and 4। चलो जी आगे मेजर आउटकम जो है ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का वास, वो क्या निकल के आया है, जब ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका मेजर जो आउटकम निकल के आया वहां पे दो ब्रिटन वुड्स ट्विंस ने जन्म लिया, एक था IMF और एक था IBRD डी। आगे
बोलते, अब ये ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते अमेंडेड पेटेंट एक्ट, पेटेंट एक्ट को अमेंड किया और उसके अंदर WTO ने जो है वो क्या किया, प्रोवाइड किया कि हम ग्रांट करेंगे प्रोडक्ट पेटेंट एज वेल एज प्रोसेस पेटेंट फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर, मतलब जो पेटेंट का जो टाइम पीरियड था उसको 20 साल कर दिया गया डेट ऑफ एप्लीकेशन से। बिल्कुल सही बात है। फिर नीचे बोलते हैं अंडर द एक्ट, इस एक्ट के अंदर पेटेंट मे बी ग्रांटेड टू एन इन्वेंशन, जो ये 20 साल का टाइम पीरियड मिलेगा किसके लिए मिलेगा, ये मिलेगा उस इन्वेंशन के लिए विच मीन्स ए न्यू प्रोडक्ट, जिसकी वजह से नया प्रोडक्ट बनेगा या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा इन द इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और उसको आप जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी कर सकते हो। ए टेक्निकल एडवांस है ओवर द एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असम्पशन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर जो बनेगा 76 का वो बनेगा क्या, सी बनेगा। दोनों ट्रू है और आर करेक्टली एक्सप्लेन करता है किसको, ऑफ ए को। चलो आगे बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एलिजिबल फॉर क्रिएशन ऑफ द राइट एज पर द WTO मैंडेट। तो WTO मैंडेट के अंदर जो है वो क्या क्या आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, तो WTO मैंडेट के अंदर बेसिकली जो है वो आएगा क्या आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर म्यूजिक डिस्क परफॉर्मिंग आर्ट, ये आएगा ठीक है जी। इसके बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आएगा, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ये IPR के पार्ट नहीं है, जर्नल बुक सीट डिजाइन ब्रांड ये सब आएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 2 और 4 बोले तो सी। आगे नाफ्टा केम इनटू फोर्स फ्रॉम जैन, नाफ्टा जो है वो आया January 1994 से, एम्ब्रेसिंग किसको मिला के आया था, तो नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बना था US कनाडा और मेक्सिको मिला करके, तीनों ने मिलके जो है वो किया था। 78 का जो है वो बनेगा क्या, बी। आगे 79 को काट दीजिए, ये अपन नहीं करना। फिर 80 बोलता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है WTO के वो क्या है, तो WTO का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है क्या क्या आएगा, पहला ये इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मेंबर कंट्री, जी बिल्कुल सही बात है। इंप्रूव करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंश्योर करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो ठीक है, और इफेक्टिव डिमांड हो, यस। एनलार्ज करेंगे प्रोडक्शन ट्रेड ऑफ गुड्स, ये खुद एनलार्ज करेगा प्रोडक्शन को एंड ट्रेड ऑफ गुड्स को, नो। इंक्रीज करेगा ट्रेड ऑफ सर्विस, यस। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1, 2, 3 और 5 बोल सी। आगे आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से जो है विच आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव IMF, इनमें से कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था किसका, IMF का। पहला IMF जो है वो प्रमोट करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जी बिल्कुल। ये प्रमोट करता है स्टैंड बाय रिजर्व को, ये भी सही बात है। ये प्रिंट करता है इंटरनेशनल करेंसी नोट, खुद ही करेंसी नोट छपता है, नो। एस्टेब्लिश करता है मल्टी लेटर पेमेंट सिस्टम ऑफ पेमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। फिर ये मेंटेन करता है ऑर्डरली एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, ये बिल्कुल सही बात है। ये क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट, नो। तो आंसर जो आएगा 81 का वो क्या आएगा, सी बोलता है 1, 2, 4, 5। आगे पॉसिबल इंपैक्ट टू WTO ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्या क्या पड़े। तो WTO की वजह से जो है वो जो बैरियर थे वो सब क्या हो गए, रिमूव हो गए, और उसकी वजह से जो पॉसिबल इंपैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है वो ये, एक तो ये पड़ा कि सेकेंड हैंड कार जो है वो क्या होने लगी, इंपोर्ट होने लगी। दूसरा डंपिंग होने लगा चाइनीज गुड्स का, आप देखते हो कि चाइना से कितना सामान इंडिया के अंदर जो है वो आ रहा है। और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो क्या हो गई, थोड़ी बढ़ गई है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2, 3 और 6 बोले तो सी। आगे कंपोनेंट ऑफ WTO आर, WTO के जो है वो कंपोनेंट के अंदर क्या क्या आएगा, तो WTO के कंपोनेंट के अंदर जो है वो आएगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, और डायरेक्टर जनरल भी है, बोले तो डी। आगे विच वन आर द फॉलोइंग मैच कोरस्पॉन्ड्स टू द मेंबर भी है और ऑब्जर्वर, तो ये कौन कौन से हैं, तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान नेपाल श्रीलंका अफगानिस्तान मालदीव, ये सब तो जो है वो क्या है इसके मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है। इराक चाइना जापान US साउथ कोरिया यूरोपियन यूनियन, ये सब इसके जो है वो क्या है, ये सब इसके ऑब्जर्वर है। तो 84 का जो है वो क्या आएगा आपका, 84 का आपका सी 1 और 2 ये सही है। तो ऊपर वाला 1 जो है वो तो क्या हो गया मेंबर, और जो 2 है ये क्या कौन हो गए, ऑब्जर्वर हो गए। आगे विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं है, तो SAARC है, एशियन ये ASEAN भी है, एशियान भी है, CBDT ये इसका पार्ट नहीं है। आगे विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव IMF, इनमें से कौन सा IMF का ऑब्जेक्टिव नहीं है, IMF का ऑब्जेक्टिव जो नहीं है ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या बोलता है, ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन, करता है। फिर ये एंश्योर करता है बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, यस। ये एंश्योर करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यस। ये फाइनेंस करता है प्रोडक्टिव एफर्ट अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट,
हाँ सी इसका पार्ट है लेकिन बी इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि एक मिनट सुनना, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है आईएमएफ का, पहला भी है डी भी है, और जो इसका सी जो पॉइंट है ये भी, टू फाइनेंस द प्रोडक्टिव एफर्ट, प्रोडक्टिव एफर्ट्स को फाइनेंस करना अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट, लेकिन टू एंश्योर करना बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, ये इसका पार्ट जो है वो नहीं है, तो ये बात ध्यान। एक मिनट यार सही था, 86 का जो है वो आएगा सी, ये इसका पार्ट नहीं है, टू फाइनेंस द प्रोडक्टिव एफर्ट अकॉर्डिंग टू पीस टाइम, पीस टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये काम जो है वो होता है किसका, आईबीआरडी का और आपका आईडीए का, वर्ल्ड मतलब इन शॉर्ट वर्ल्ड बैंक ये काम करता है फाइनेंस वाला, ठीक है ना, ये बैलेंस रीजनल टू एंश्योर करना बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ये आईएमएफ का काम है, क्योंकि आईएमएफ जो है वो नेगेटिव बीओपी जब हो जाता है तो उसके लिए फंडिंग करता है, ठीक है ना, उसको सही करने के लिए, तो ये इसके अंदर आएगा, तो ये सी जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव इसका वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव है। चलो जी आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट रिलेटेड विद द डब्ल्यूटीओ, इनमें से कौन सा डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड नहीं है, ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ का पार्ट है, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस डब्ल्यूटीओ में आता है, ट्रिम्स इसमें आता है, लेकिन ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका पार्ट नहीं है। आगे सार को एस्टेब्लिश किया कब, तो सार जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था जी आपका 8 दिसंबर 1985 को। आगे कोटा ऑफ ऑल द मेंबर कंट्री विद आईएमएफ, हर मेंबर कंट्री का आईएमएफ के अंदर अपना एक कोटा है, उसको वैल्यू किया जाता है किसमें, इन टर्म्स ऑफ द एसडीआर ए। आगे कंट्रीज जो एलिजिबल है फॉर बोथ आईडी असिस्टेंस के लिए भी ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम एंड क्रेडिट वर्थिनेस फॉर सम आईबीआरडी, जिसको दोनों से आईडीए से भी और आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट दोनों से अगर लोन मिलता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है ब्लेंड बोरोवर, जो मिक्स है, ब्लेंड का मतलब क्या आता है, मिक्स बेसिकली। आगे ईच कंट्री इन द आईएमएफ, हर कंट्री जो होती है आईएमएफ के अंदर बेसिकली वो नॉमिनेट करती है किसको, वो नॉमिनेट करती है एक अल्टरनेट गवर्नर को, जो कास्ट करेगा वोट इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर, अगर गवर्नर प्रेजेंट नहीं होगा तो अल्टरनेट गवर्नर जो है वो क्या करेगा, वोट कास्ट करेगा, तो आंसर जो आएगा वो आएगा सी। आगे डब्ल्यूटीओ कवर करता है किसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को करता है, सर्विस को करता है, गुड्स को भी करता है, तो इसका आंसर जो आएगा 92 का वो आएगा डी ए बी एंड सी, तीनों आएगा इसमें। चलो जी आगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस को क्या करना, ग्लोबलाइज करना, इज बीइंग प्रोमोटेड बाय, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन फाइनेंशियल सर्विस इसको कौन प्रोमोट करता है, तो इसको जो है वो प्रोमोट करता है कौन आपका, आईएमएफ, जो फाइनेंशियल नेचर की सर्विस है उनको, उनका ग्लोबलाइजेशन हो, तो वो फाइनेंशियल नेचर की जो सर्विस है जैसे बैंकिंग सर्विस हो गया, इन सब के लिए जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो इनको क्या करता है जी आपका प्रमोट करता है, तो 93 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन से जो है वो क्या है जी आपकी इनकरेक्ट है, तो डब्ल्यूटीओ हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ये करेक्ट है क्या, ये आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। आगे देख लो, डब्ल्यूटीओ अप्लाई टू ट्रेड इन मर्केटाइज गुड्स, बिल्कुल सही बात है, बोथ एंड भी हो नहीं सकता। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी इनकरेक्ट है, तो ये पहला डब्ल्यूटीओ एम्बॉडीमेंट ऑफ द उरुग्वे राउंड, इसकी वजह से आया, यस। डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हुआ 1 जनवरी 1995 को, यस। डब्ल्यूटीओ कैन नॉट बी डिस्क्राइब एज ए फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूशन, डब्ल्यूटीओ को हम डिस्क्राइब नहीं करते ऐसे, ये जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ बेसिकली फ्री ट्रेड के लिए तो जाना जाता है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ये तो बोलता है कि सारे बैरियर्स को क्या करो, हटाओ, तो आंसर क्या आएगा इसका, सी। मेजोरिटी ऑफ द डेवलप कंट्री हैव, जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनका जो बीओपी है वो जनरली कैसा देखने को मिलता है, तो उनका सरप्लस के अंदर है, क्योंकि उनका जो है एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट क्या है, कम है। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के कंटेक्स्ट में ये सब स्टेटमेंट को एक बार कंसीडर करो और बताओ इनमें से कौन सी करेक्ट है, आपको ये बताना है। पहला, डब्ल्यूटीओ परमानेंट बॉडी है जिसके अंदर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होगा, यस। स्कोप ऑफ डब्ल्यूटीओ जो है उसको ब्रॉडन किया गया, डब्ल्यूटीओ के अंदर सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इनको डाला गया, यस। डब्ल्यूटीओ प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, यस। डब्ल्यूटीओ बैन करता है फॉरेन करेंसी को, नो। डब्ल्यूटीओ मैनेज करता है हाइब्रिड सिस्टम ऑफ क्लीन फ्लोटिंग, ये आईएमएफ का काम होता है, डब्ल्यूटीओ का काम नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या आएगा, 1, 2 एंड 3, बोले तो सी ऑप्शन। आगे
विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोड ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ गैस, इनमें से कौन सा जो है वो मोड है किसका, सर्विस सप्लाई का। अगर आपने फॉरन में सर्विस को सप्लाई करना तो कैसे कर सकते हो, कंजम्पशन अब्रॉड भी कर सकते हो और क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, ये दोनों इसका पार्ट है। तो आंसर आएगा सी, चार तरीके होते हैं आपको बता रखे मैंने WTO के अंदर। चलो जी आगे, स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है इंटरनेशनल लिक्विडिटी डज नॉट इंक्लूड ऑफिशियल होल्डिंग ऑफ द इंटरनेशनल लिक्विडिटी एसेट, बोलता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करते। सर क्या बात कर रहे हो, इसको तो इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल लिक्विडिटी का तो पार्ट होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरी बोलते हैं ओनली बोरोड रिजर्व, सिर्फ जो बोरो करें रिजर्व वही सोर्स है इंटरनेशनल लिक्विडिटी के, नहीं सर इंटरनेशनल लिक्विडिटी में दोनों रिजर्व आते हैं, बोरोड भी और ओन भी, तो ये आपका गलत हो गया। आंसर क्या है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बोले तो बी। आगे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या बोलती है, बोलता है वर्ल्ड बैंक ऑफर करता है लॉन्ग टर्म लोन टू द किसको, डेवलपिंग कंट्री को, वर्ल्ड बैंक ऑफर करता है लॉन्ग टर्म लोन टू द डेवलपिंग कंट्री, तो ये तो बात एकदम क्या है, सही है। फिर बोलता है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए, मतलब वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए, जी ये भी एकदम सही है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है FDI, पहली स्टेटमेंट बोलती है FDI इज इल एडवाइस बिकॉज दे लूज देयर नेशनल आइडेंटिटी। FDI को इल एडवाइस कहता है क्योंकि FDI की वजह से जो है वो नेशनल आइडेंटिटी खत्म होती जाती है, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब FDI आएगा तो फॉरन के लोगों का जो है वो इंटरफेस थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, और FDI चीपर है एक्सपोर्टिंग से, ये गलत है, FDI जो है वो मोर कॉस्टली होता है एक्सपोर्टिंग के मुकाबले में। तो आंसर जो आएगा वो 101 का क्या आएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है, बोलते सी। आगे असर्शन दिया गया, बोलता है SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट आर द राइट, ये वो राइट्स हैं टू ड्रॉ ऑन द IMF एंड और कॉल्ड पेपर गोल्ड, SDR को पेपर गोल्ड बोलते हैं, यस असर्शन एकदम क्या है, सही है। फिर बोलता है रीजनिंग में सिंस द वैल्यू ऑफ SDR इज फिक्स इन गोल्ड, SDR की वैल्यू फिक्स की गई है गोल्ड में, सो इट इज द नोन एज पेपर गोल्ड, ऐसा है क्या, नहीं SDR को पेपर गोल्ड बोलते थे पहले, लेकिन अब SDR की वैल्यू जो है वो फिक्स है बास्केट ऑफ करेंसी के अंदर, ठीक है ना, तो ये आपका गलत है, जिसके अंदर 5 करेंसी आती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो असर्शन जो है वो क्या हो गया आपका, सही है, बट रीजनिंग जो है वो क्या है, इनकरेक्ट, बोलो तो सी। आगे नेक्स्ट, कोऑपरेशन कोऑपरेटिव पीस एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी शैल बी द फंडामेंटल गोल है किसका, एशियान का। अगर एशियान की बात करते हैं तो बोलते हैं कोऑपरेटिव पीस, पीस को मेंटेन करना जो ठीक है वो फंडामेंटल गोल है एशियान का, ये एकदम सही है। फिर बोलते हैं एशियान हेल्प करता है टू प्रमोट द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है, और रीजन जो है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो 103 का जो है वो बनेगा क्या, ए। आगे प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज ड्यू टू सरप्लस इन द BOP ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, इंटरनेशनल लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो राइज होती है क्योंकि डेवलप कंट्री का BOP क्या है, पोस्ट सरप्लस में है, और अंडर डेवलपिंग वालों का एडवर्स है, इसलिए ये जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम जो है वो राइज होती है, ये एकदम सही है। फिर बोलते हैं डेवलप कंट्री आर द क्रेटर, डेवलप कंट्री जो है वो कौन है, क्रेटर है LDC के, उन्होंने LDC जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उनसे पैसा लेना है, एंड डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन गेटिंग रीड ऑफ देयर सरप्लस, ये एकदम सही है। तो रीजनिंग भी जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, दोनों बातें सही है। तो आंसर जो 104 का आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे IBRD और IDA रन ऑन द सेम लाइन, IBRD और IDA जो वो सेम लाइन पे काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है क्योंकि दोनों है तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है ना ये, तो दोनों सही हैं, और IBRD और IDA शेयर करते हैं सेम स्टाफ और हेडक्वार्टर को, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, दोनों बातें सही है, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, बोल तो ए। आगे मैच द फॉलोइंग, 106 SMRC जो है, SMRC एक मिनट, हाँ SMRC जो है ये आपका है आपका, इट इज डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल सोशल एंड द कल्चरल टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट। एशियान जो है ये है बेसिकली नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटर अफेयर ऑफ द वन मेंबर वन अनदर, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, और जो नाफ्टा है ये क्रिएट करेगा प्रोसीजर फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, ये हो गया। तो इसका जो बना 106 का वो बना क्या, डी। चलो आगे, कस्टम यूनियन जो है वो क्या है, तो कस्टम यूनियन ये कर व्हेन ए ग्रुप ऑफ कंट्री एग्री टू एलिमिनेट द सेट ऑफ कॉमन एक्सेंट टैरिफ ऑन द इंपोर्ट, ये। कॉमन मार्केट जो है वो क्या होती है, तो कॉमन मार्केट है आपका ये अलाउ करता है फ्री मोबिलिटी होगा किसका, कैपिटल और लेबर का, ये। और FTA जो है उसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, नाफ्टा। तो 107 का जो है वो बना क्या आपका, बी। आगे 108,
मैचिंग करना है आपको 108 को। तो सबसे पहला फ्री ट्रेड मतलब ये परमिट करता है ट्रेडिंग पार्टनर को कि म्यूचुअली गेन करे फ्रॉम द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ए का हो गया आपका 4। इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो है वो क्या है? इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब है एग्रीगेट स्टॉक ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल एसेट का, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी। फिर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है ये क्या है आपका? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब जिसमें रिमूव करते हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को। और स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है वो वैल्यू उसकी फिक्स की गई है किसमें? गोल्ड में। लेकिन अब गोल्ड के अलावा जो है वो किसके अंदर है? बास्केट ऑफ करेंसी में। तो ये इसका हो गया। तो 108 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका? 108 का ए। चलो आगे मैचिंग ये आपको काट दीजिएगा 108 के बाद 109 के बाद 110। चलो जी 110 जो है वो क्या बोलता है? 110 बोलता है आपका जो है वो मैचिंग करनी है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ये क्या है? इट हैज फेल्ड टू अचीव द एलिमिनेट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन। ये जो है वो फेल हुआ जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रिस्ट्रिक्शन है उनको क्या करने में? एलिमिनेट करने में। अभी भी कंट्री लगा रही है। आगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉपरेशन IFC, ये बेसिकली जो है वो किसके लिए होता है? IFC ये होता है प्राइवेट फंडिंग के लिए। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है और इसका जो मेन काम है वो क्या है? ये हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करता है और प्राइवेट कैपिटलिस्ट को जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। FDI जो है वो क्या है? बेसिकली FDI के अंदर जो है वो आपका रिस्क फैक्टर जो है वो क्या होगा? बहुत हाई रहेगा। और MNC फॉर द होस्ट कंट्री जो है ये क्या? ये ट्रांसफर करते हैं टेक्नोलॉजी विच हैज बिकम आउटडेट इन द अदर कंट्री। तो 110 का जो है वो होगा क्या? बी। आगे 111 लो जी 111 जो है वो क्या बोलता है? स्टैंड बाय अरेंजमेंट क्या ये प्रोवाइड करता है? शॉर्ट टर्म BOP असिस्टेंस फॉर डेफिसिट ऑफ द टेम्परेरी एंड द साइक्लिकल नेचर। जो टेम्परेरी नेचर की जो है तो उसके लिए आएगा स्टैंड बाय अरेंजमेंट। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है वो क्या है? ये है BOP की डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ PRG बोलते हैं जिसको, PRG फैसिलिटी ये है बेसिकली किसके लिए आपका? सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन द स्टेबिलिटी एंड द सुटेबल मैनर ऑफ द BOP पोजिशन। और कंटिजेंट क्रेडिट लाइन फैसिलिटी मिलती है टू प्रिवेंट करने के लिए स्प्रेड ऑफ क्राइसिस। तो आंसर जो बनेगा 111 का वो बनेगा क्या? 2143। बोले तो सी। आगे मैच द फॉलोइंग का दोबारा। बोर्ड ऑफ गवर्नर, अगर हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर का, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो क्या? वो इट मीट्स एनुअली, ये हर साल मिलते हैं, ये WTO उसकी वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर मीट्स एनुअली टू चेक आउट द जनरल पॉलिसी ऑफ द बैंक, ठीक है जी। इसके बाद में बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ये रेगुलरली हर महीने जो है ये क्या मिलते हैं? टू कैरी आउट द रूटीन वर्किंग ऑफ द बैंक। एडवाइजरी काउंसिल की अगर हम बात करें तो एडवाइजरी काउंसिल जो है वो अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, एंड प्रेसिडेंट एंड द अदर मेंबर ऑफ स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्ट ऑफ द डे टू डे बिजनेस ऑफ द बैंक। तो 112 का जो है वो पड़ेगा क्या? बी। ध्यान रखना इसको, हर बॉडी का काम जो है वो IOS को मैचिंग करना है। आगे फिर आपको ये दिया गया, आपको मैचिंग करना है इसमें भी। ट्रेडमार्क की अगर बात करें, ट्रेडमार्क क्या है? ये एक सिंबल है बेसिकली जो यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, विच इंडिकेटेड सोर्स, ठीक है। पेटेंट की अगर बात करें तो पेटेंट जो है वो क्या है? तो पेटेंट द इन्वेंशन, पेटेंट करवाना है तो उसके लिए इन्वेंशन आपकी कैसी होनी चाहिए? नई हो एंड शुड बी यूजफुल और कैन बी अप्लाइड इन द इंडस्ट्री। आगे इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट जो है वो क्या है? बेसिकली इट मे रेफर टू द क्रिएशन ऑफ ए शेप, कलर, पैटर्न और ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और जो ट्रेड सीक्रेट है ये क्या है? दीज आर द डिजाइन प्रैक्टिस और फॉर्मूला, इसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट आपका। तो 113 का जो है वो पड़ेगा क्या आपका? डी ऑप्शन। चलो जी आगे 114। राइवल फॉर्म की बात करते हैं, राइवल फॉर्म जो है इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट है, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट है। इंप्रूविंग द क्वालिटी अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ग्लोबल एनवायरमेंट का पार्ट है। और एथिक्स इन बिजनेस से वो पार्ट है किसका? सोशल का। तो 114 का जो है बनेगा क्या? सी। आगे बोलता है सेंट्रल बैंक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अपने इंडिया के सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। वो सिग्निफिकेंसली इन्फ्लुएंस करता है सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग को इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। RBI कौन सी पॉलिसी बनाता है? सर सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो है इसका क्या? मॉनेटरी पॉलिसी। बी। आगे 116। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म। इनमें से कौन सा कैपिटलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहली बार कैपिटलिज्म क्या होता है ये बताओ। सर कैपिटलिज्म का मतलब जो है वो ये होता है जहां पे फैक्टर प्रोडक्शन जो है एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जहां पे फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा इसका फीचर नहीं है? वो ये है कि कंट्री का मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इधर ओन्ड बाय गवर्नमेंट
और यूज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट होता है, नहीं वो होता है किसके द्वारा, प्राइवेट लोगों द्वारा, तो ये इसका फीचर नहीं है। तो 116 का जो है वो आएगा बी, ये इसका फीचर नहीं है। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द कंज्यूमरिज्म, इनमें से कौन सा कंज्यूमरिज्म के रिगार्डिंग जो वो करेक्ट नहीं है। तो ये बोलता है कंज्यूमरिज्म इवोल्यूशन इज नॉट ए सेटबैक फॉर मार्केटिंग बट रादर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द एनलाइटिंग मार्केटिंग, ये इसका पार्ट है। ठीक है जी, कंज्यूमर शुड एक्सेप्ट कंज्यूमरिज्म एज ए मींस ऑफ असर्टिंग एंड एंजॉय देयर राइट, बिल्कुल ये भी इसका पार्ट है। कंज्यूमरिज्म जो है वो मैनिफेस्टेशन है ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस टू गारंटी एंड एंश्योर द कंज्यूमर लेजिटिमेट राइट, और कंज्यूमर को हम राइट देते हैं, ये भी इसका पार्ट है। लेकिन कंज्यूमर डज नॉट हैव एनी रोल, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द कंज्यूमर प्रोडक्शन, क्या कंज्यूमरिज्म के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए? सर कंज्यूमरिज्म तो यही तो बोलता है ना कि जब गवर्नमेंट जो है वो राइट्स प्रोटेक्ट हमको प्रोवाइड करवाती है कि अगर कभी भी हमारे साथ में जो है वो जो हमारे सेलर है अगर वो कुछ भी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट का राइट नहीं है? गवर्नमेंट का क्या कोई बेसिकली कोई रोल नहीं है? गवर्नमेंट का रोल है। और अपने इंडिया में तो गवर्नमेंट ने कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पास किया हुआ है, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ये गलत है, मतलब ये चीज जो है वो क्या गलत है जो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये गलत है क्योंकि गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास किया हुआ है। आगे Which one of the following is not correct relating to the competition policy and law? Competition policy के हिसाब से जो है इनमें से कौन सी statement जो है वो आपके correct नहीं है 118 की, तो वो है जी क्या आपका कि state monopoly, government business policy and functioning of the regulatory authority cannot be scrutinized, इनको scrutinize नहीं किया जाता, ये जो है वो गलत है क्योंकि इनको भी जो है हम लोग check करते हैं हमारी competition policy के अंदर। आगे मैचिंग करना है जी आपको economic environment जो है, एक मिनट चलो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एनवायरनमेंट। ठीक है जी, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये जुडिशियल पावर, ये आपका है। सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो ये हो गया जी आपका एथिकल, और जो डेमोग्राफिक है वो हो गया क्या इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन, इकोनॉमिकली जब इकोनॉमिक वे में जब हम विभाजीकरण करते हैं किसका पॉपुलेशन का, तो ये डेमोग्राफिक का पार्ट है। तो 119 का जो है वो पड़ेगा जी आपका ए। आगे 120 मैचिंग माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर बात करते हैं तो माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब इनपुट सप्लायर पार्ट है किसका, एक्सटर्नल, लेकिन माइक्रो का पार्ट है। मैक्रो के अंदर जो आएगा वो आएगा जी क्या आपका इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब जो है वो क्या, स्पॉन्सर द इवेंट लाइक स्पोर्ट्स, और डिजायर्ड कंपटीशन का मतलब कहता है कंपटीशन अमंग डाइवर्स प्रोडक्ट टारगेटिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर टू। तो 120 का जो है वो आएगा जी क्या ए। आगे 120 के बाद 121 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव द कंपटीशन एक्ट, इनमें से कौन सा कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो डोमिनेंट पोजीशन को प्रोहिबिट करना ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद प्रोहिबिशन एंटी कॉम्पिटिटिव इसका ऑब्जेक्टिव है, रेगुलेशन कॉम्पिटिशन का ऑब्जेक्टिव है। एक मिनट, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है कॉम्पिटिशन एक्ट का, प्रोहिबिशन ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस आरटीपी को प्रोहिबिट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को प्रोहिबिट करना इसका ऑब्जेक्टिव है, रेगुलेट करना कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ डोमिनेंट पोजिशन ऑब्जेक्टिव नहीं है। सर हमने तो पढ़ा था प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज, अगर एब्यूज वर्ड आ गया ना वो इसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सिर्फ डोमिनेंट पोजिशन पर रोक लगाना वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन खाली प्रोहिबिशन ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो 121 का जो है वो आएगा क्या बी। आगे 122 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोरम, इनमें से कौन सा जो है वो फोरम नहीं है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम का, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो तीन लेवल पे फोरम बनी हुई है, एक है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक नेशनल और एक स्टेट, तो कौन सा नहीं है, लोकल फोरम इसका पार्ट नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोलता है अंडर द फेमा के अंडर जो है रिसीवर जो है ऑफ द लॉन्ड्रेड मनी इज टू बी मेड कल्पेबल इंस्टेड ऑफ द सेंडर की जगह जो रिसीवर है ना उसके ऊपर, मतलब जो ब्लैक मनी को जिसने रिसीव किया ठीक है उसको कल्प्रिट माना जाएगा फेमा के अंदर, ये बिल्कुल सही बात है। फिर आगे बोलता है कि फेमा जो है वो अलग है पहले वाले से फेरा से रिगार्डिंग द पेनल्टी एंड द पनिशमेंट, ये भी बिल्कुल सही है और दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि पहले कुछ और था, फेरा के अंदर क्या था भेजने वाले को दोषी ठहराते थे, लेकिन फेमा के अंदर जो रिसीव करता है उसको दोषी ठहराया जाएगा। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, बोथ ए और आर करेक्ट है और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को, तो आंसर है सी। 123 का क्या हो गया, सी हो गया। आगे
123 के बाद 124, मैचिंग का क्वेश्चन आ गया 124। और फिस्कल पॉलिसी जो है वो आपका फिस्कल फेडरलिज्म हो गया, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। टेक्नोलॉजी पॉलिसी की अगर बात करें तो ये मिटिगेशन ऑफ द नेचुरल हजार्ड्स, जो भी नेचुरल हजार्ड्स हैं उनको मिटिगेट करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एक इन्फ्लेशन ये रिलेटेड है, और मॉनेटरी पॉलिसी, एक मिनट, मैक्रो इकोनॉमिक हो गया इन्फ्लेशन, और मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ, और मॉनेटरी पॉलिसी हो गया क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आंसर जो बनेगा 124 का वो बनेगा जी आपका बी, 3, 1, 2, 3, 1, 1 मिनट। फिस्कल पॉलिसी पार्ट है इकोनॉमिक फेडरलिज्म का, और टेक्नोलॉजी पॉलिसी पार्ट है मिटिगेशन नेचुरल हजार्ड्स का, और जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो पार्ट है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये सही है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बेसिकली बनती है किसके लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये सही है। तो 124 का जो है वो बनेगा क्या, बी। अब आएगा जी 125, बोलते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है इसके अंदर क्या चीज नहीं आती है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर लैंड डिग्रेडेशन आती है, प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रेसिंग एंड इकोलॉजिकल डिजनरेशन आती है, और जो फ्लड ये भी आता है। तो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा जो है वो फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो पहला, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, कंट्री के अंदर जो है वो इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी को क्या करना, इंक्रीज करना, ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है वो पार्ट है किसका आपकी, मॉनिटरी पॉलिसी है। लिक्विडिटी की बात आ गई ना, तो किसका पार्ट है, मॉनिटरी पॉलिसी। ओके चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया, फ्रॉम द फॉलोइंग इनमें से आइडेंटिफाई करो टूल ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, कौन सा फिस्कल पॉलिसी का टूल है। तो फिस्कल पॉलिसी के टूल के अंदर जो है, एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये फिस्कल पॉलिसी का टूल है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। डेफिसिट फाइनेंसिंग फिस्कल पॉलिसी का टूल है। टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी का टूल है। रिजर्व रिक्वायरमेंट अपना मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। तो आंसर क्या आएगा, 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4 बोले तो डी। आगे 128, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है ये है आपका पास हुआ 1951 के अंदर। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल एक्ट जो है ये आपका जो है वो हुआ 1947 में। फेमा 1999 और फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा 128 का वो बनेगा सी। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये डी, क्योंकि मैक्रो के अंदर एक्सटर्नल, ये क्या बोले, मैक्रो के अंदर एक्सटर्नल, भाई एक्सटर्नल के अंदर मैक्रो आता है, ठीक है, और कस्टमर पार्ट किसका है, माइक्रो का पार्ट है, तो ये आपका जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, ध्यान रखना। आगे बोलते हैं इंटरनल एनवायरमेंट जो है बिजनेस का, उसके अंदर क्या क्या आता है, बिजनेस के इंटरनल एनवायरमेंट के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आती हैं। तो बिजनेस एथिक्स पार्ट है, बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसी हमारी खुद की पार्ट है, प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट ये भी पार्ट है, गवर्नमेंट के रूल ये एक्सटर्नल का पार्ट है, इंटरनल का पार्ट नहीं है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन ये भी पार्ट है। तो आंसर जो है 130 का वो क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 5 बोले तो डी। चलो जी आगे, देर इज ए एक्यूट शॉर्टेज, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी का इन सम ऑफ द स्टेट इन इंडिया, दिस रिफ्लेक्ट ए प्रॉब्लम ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, तो ये किस बिजनेस एनवायरमेंट की प्रॉब्लम का पार्ट है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पार्ट है आपका, इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट है। देख टाइम लिमिट जो है फाइलिंग ए कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम, मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर या कोई स्टेट फोरम या नेशनल फोरम में आपका जो टाइम लिमिट है वो कितनी है, 2 साल, अभी भी 2 साल ही है, ध्यान रखना। कोपरा 86 में भी और 2019 के अंदर भी, मतलब जब आपका डिस्प्यूट अराइज हुआ उसके 2 साल के अंदर, मतलब जब जो प्रॉब्लम अराइज हुई उसके 2 साल के अंदर अंदर आप लोग जो है वो कंप्लेंट कर सकते हो। आगे एक मिनट, एक क्वेश्चन मिस नहीं हो गया ना, 132 के बाद 133, एंटी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 सीक टू रेगुलेट, किसको रेगुलेट करता है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को, बोलो करता है, मर्जर अमलगमेशन को करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को नहीं, क्यों, क्योंकि इसके लिए बना रखा है हमने क्या, कोपरा। तो आंसर जो है क्या, डी, बोथ ए एंड बी। आगे, विच ऑफ द लेजिस्लेशन डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द लीगल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस इन इंडिया, इनमें से कौन सा लीगल एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है, वैसे सारे आने थे लेकिन ये पेपर का प्रीवियस का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आंसर डी दिया हुआ है, तो अगर अब भी आ गया तो आप डी करके आना, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट और MRTP एक्ट।
आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी ट्रू है। तो ट्रू ये है कि प्रोफेशनल जो सर्विसेज है उनको कोपरा केस से जो है वो क्या रखा गया, आउटसाइड रखा गया। तो आंसर आएगा क्या इसका, बी। आगे इंडिकेट करो व्हाट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 बल्कि 2019 के लिए भी, ठीक है। तो आपको जो है वो कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको जो है वो बताना है। तो पहला, जो कंप्लेंट इन्वॉल्विंग क्लेम ऑफ 15 लाख इससे फाइल बिफोर द स्टेट कमीशन को जाएगा, नहीं सर वो जाएगा किसको, आपके डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है आपका, ठीक है। और ऊपर क्या बोलता है, नो कंप्लेंट कैन बी एंटरटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट परचेज मोर देन 2 ईयर बैक, 2 साल के बाद है तो वो नहीं होगा क्योंकि 2 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये आपका ये बोलता है कि कोई भी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट परचेज मोर देन 2 ईयर बैक, 2 साल पहले अगर आपने जो है वो कोई सामान मतलब 2 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी होती है। यार ये गलत हो गया, सी नहीं आएगा, इसका डी आएगा, क्योंकि 2 साल के बाद भी आप अगर सफिशियंट अगर कोर्स आप बता दो कि मैं 2 साल में इसलिए नहीं आ सका, ठीक है, तो भी आपके कंप्लेंट को जो है वो ले सकते हैं। तो ये भी आपके इनकरेक्ट, क्योंकि ऊपर क्या बोला, नो कंप्लेंट कैन बी एंटरटेन, कोई भी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट परचेज मोर देन 2 ईयर बैक, ये गलत है। 2 साल के बाद भी मैं कंप्लेंट कर सकता हूं बशर्त ये कि मेरे पास सफिशियंट ग्राउंड होने चाहिए। तो आंसर जो है वो ए और सी, ये दोनों जो है वो क्या है आपके इनकरेक्ट है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें से किसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के स्कोप से आउटसाइड रखा गया, एक तो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को और एक सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सनल सर्विस, इन दोनों को आउटसाइड रखा गया, बोल तो डी। आगे स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी जो है वो क्या है, स्ट्रेटजी और पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो आर नॉट क्लोजली रिलेटेड गिवन डायरेक्शन, स्ट्रेटजी और पॉलिसी हमको क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, बोले तो बी। आगे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने चलाया था जनरेट करने के लिए गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया, उसको बोलते हैं मनरेगा स्कीम। आगे विच द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ एथिक्स, इनमें से कौन सा सोर्स है किसका, एथिक्स का, कौन सा सोर्स है, रिलीजन ये सोर्स ऑफ एथिक्स है, कल्चर सोर्स ऑफ एथिक्स है और फैमिली सिस्टम ये भी आपका सोर्स ऑफ एथिक्स है, लेकिन लीगल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम ये आपका सोर्स ऑफ एथिक्स नहीं है, ध्यान रखना। तो 140 का जो है वो आएगा 1, 4 और 5, बोल दो सी। आगे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन जो है वो आया और ये जो है वो क्या बोलता है देखते हैं, ये बोलता है जी आपका कि पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट जो है ये रिलेटेड है किससे, क्लोज रिलेशन विद द इकोनॉमिक सिस्टम एंड द इकोनॉमिक पॉलिसी। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो ऑक्यूपेशन एंड द स्पेशल मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करता है। आगे ये आपका हो गया इससे रिलेटेड, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर इंडस्ट्री डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट, और जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट रिलेटेड किसी नेचुरल रिसोर्स है। तो 41 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका, बी। चलो जी आगे कंज्यूमर एटीट्यूड एंड द बिलीफ अबाउट द डाइट, किसके बारे में, डाइट के बारे में, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो ये आपके कल्चर के द्वारा, हर कल्चर के अंदर जो है वो अलग अलग जो है वो लोगों की डाइट है, अलग अलग हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है वो होते हैं, तो ये बात ध्यान रखना थोड़ा। एक मिनट, कंज्यूमर का एटीट्यूड एंड द बिलीफ, हाँ ये सही है, कल्चर आएगा, ठीक है। चलो इंडिकेट द ग्राउंड ऑन विच कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शैल बी इनवैलिड, किस ग्राउंड पे जो आप कंप्लेंट करोगे वो इनवैलिड हो जाएगी। तो अगर सर्विस जो प्रोवाइड की गई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर फ्री सर्विस है तो आप जो है उसके लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपने पे किया हुआ। आगे अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट जो है इंडिया में वो उसको क्या बोलते हैं, जो अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट है वो है आपका कौन सा, नेशनल कंज्यूमर फोरम आपका बेसिकली, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, बोल दो सी। आगे विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, तो मनी और कैपिटल मार्केट आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी, ऑपरेशन कैपेबिलिटी, ऑपरेशन पर्सनल कैपेबिलिटी, ये सब इसका पार्ट है। आगे विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, तो ये है जी आपका कस्टमर, ये आपके माइक्रो बोल तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट। आगे इंटरनल फैक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर कंट्रोलेबल, इंटरनल फैक्टर जो है वो हमारे कंट्रोलेबल है जी, कंपनी ऑल्टर कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है सच फैक्टर को टू सूट द एनवायरनमेंट जी, बिल्कुल। तो दोनों बातें जो है वो क्या है, सही है। तो आंसर जो आएगा 147 का वो क्या आएगा, ए।
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन वो है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द लीगल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। जितने भी लॉ हैं वो सब पार्ट है किसके लीगल एनवायरनमेंट के, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंटेरियन इन द लोकसभा ये आपके लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। तो ए लो जी, ये हुए हमारे कंप्लीट। हम लोगों ने जो है वो करे हैं 43 क्वेश्चन तो हमने एक कर लिए, 29 क्वेश्चन हमने एक कर लिए और 145 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो एक करे। ओके, तो इनमें से हम तीन क्वेश्चन जो है वो 148 में से दो क्वेश्चन मैंने हटा दिए, तीन क्वेश्चन हटा दिए, 145 ये हो गए। तो टोटल मिला के 217 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये 217 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और कोशिश भी हमने यही करी है कि इसमें सारे के सारे जो आपका टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। चाहे अगर बात करूँ थ्योरी का, चाहे नॉर्मल ग्लोबलाइजेशन की बात करूँ, एफडीआई का बात करूँ, मूड्स की बात करूँ, चाहे डब्ल्यूटीओ की बात करूँ, आईएमएफ की बात करूँ, वर्ल्ड बैंक की बात करूँ, चाहे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करूँ, चाहे बिजनेस एनवायरमेंट की बात करूँ, हर एक टॉपिक को हमने कोशिश करी है इसके अंदर इंक्लूड करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा यार, कमेंट जरूर किया करो, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, क्योंकि कमेंट करते हो तो मुझे थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी सी जो है वो महसूस होती है कि हाँ यार जो हम कर रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है, करोगे तो अच्छा है यार। तो टाइम ही कितना लगता है, और वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो बताइए क्या कमी लगी है, हम उसका सुधारेंगे जरूर, ठीक है ना। और दूसरी मेन बात ये कि पेपर आने वाला है तो काम करते रहो, दबा के काम करो एकदम, ठीक है ना, क्योंकि बस ये पेपर होते ही फिर तो अपने को मौज ही मौज है, ठीक है ना, छुट्टी है फिर आराम से मौज लेंगे, तो अभी पूरा लग जाओ बिल्कुल तैयारी में, ठीक है। चलो ये करो सेकंड यूनिट, इसके बाद मिलेंगे अगले यूनिट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।